विद्रागाय नमो विद्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोए सब साहुणं ऐसो पंच नमकारो सब पापपणासनो मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान के साक्षी में वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सदगुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु
सत्यम निश्चयवंग है, तैत्रिशकोटि विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय दो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपे मूर्तमो गलती भूल को माफ दो, व्यवहारे सदबुद्धि हो, निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मरण करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી હવે કહી દઉં હમણાં તમે હા કહી દો કહી દો હમ સબ કિતને સમય સે યે અધ્યાત્મ વિજ્ઞાન કી વાત કર રહે હૈ આપ સમજો કે જિતને ભી ઇસ દુનિયા કે અંદર જો ભી પશુ પક્ષી હૈ જો ભી પ્રાણી હૈ जो भी वनस्पतियां है सबको देखो वो सब सहज है। हम पहाड़ को देखेंगे तो भी सहज है, नदियों को देखेंगे तो भी सहज है, हम पेड़ को देखेंगे तो भी सहज है, पक्षी प्राणी सब सहज है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो कुदरत के साथ जीते हैं, उनका काम कुदरत के साथ जीना है। ठंडी गर्मी बारिश पानी हवा सब कुदरत के साथ उनका होता है और इसीलिए वो अपने आप
सहज हो जाते हैं। इंसान ऐसा है जो ज्यादातर मटेरियल के साथ जीता है, घर के बाहर निकलेंगे तो भी बिल्कुल गाड़ी के अंदर निकलेगा, यानी कुदरत के साथ उसका लगाव नहीं होगा। जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, उनके साथ उसका लगाव होता है और इसीलिए उनकी जो साहजिकता है वो खत्म हो जाती है। तो सहज बनने के लिए कुदरत के साथ जुड़ना, अपने आप को जुड़ना बहुत आवश्यक है। सुबह उठते ही हम ये कुदरत का दर्शन करते हैं, सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं, आकाश का दर्शन करते हैं, पक्षियों का पैर का दर्शन करते हैं, रात को सोते समय चंद्रमा का दर्शन करते हैं। इस सृष्टि के अंदर जो पहाड़ है, समंदर है, नदियों है, ये सब शांत हो गई है, ऐसा हम दर्शन करते हैं तो हम कुदरत के साथ जुड़े हुए हैं। मगर क्योंकि सुबह उठते ही और रात के अंत हमारी जो प्रक्रिया होती है, हमारा जो चित है वो पूरा भौतिक चीजों के साथ या व्यक्तियों के साथ, व्यक्तियों के विचारों के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए हमारे जीवन में हर समय यही सामने आता है। क्योंकि जो आप अपने जीवन में जिसके ऊपर फोकस करते हैं वही आपको रिवर्स आता है और हम कभी साहजिक नहीं बन पाते हैं। और ये विज्ञान को समझने के लिए, ये कुदरती कानून को समझने के लिए, ये कुदरत को समझने के लिए, ये छह तत्वों को, छह सनातन तत्वों को समझने के लिए हमारी प्रकृति सहज होना आवश्यक है। प्रकृति सहज होने का मतलब होता है, मैं मन वचन काया की बात नहीं करता हूं, प्रकृति सहज होने का बात है हमारी दृष्टि में साहजिकता होनी चाहिए, हमारी दृष्टि में कुदरत का इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि हमको वही कुदरती रचना देखना है, वही कुदरती कानून को समझना है और वही छह तत्वों को समझना है, हमको विनाशी अवस्थाओं को समझना नहीं है, इसमें डीप में उतरना नहीं है, उसमें डिटेल में जाना नहीं है। तो फिर हमारा हर समय हर वक्त यही कुदरत को समझने में होना चाहिए ताकि हम सहज रहे और साहजिकता से ज्ञान खुला होता है। एक महाशय ने प्रश्न किया था कि स्वामी जी सहज होने का मतलब क्या है। अगर इंसान सहज हो जाता है, अगर इंसान की प्रकृति सहज हो जाती है, बिल्कुल गौर से सुनना, अगर इंसान की भावना सहज होती है, इसके साथ उनका मन वचन काया रूपी जो प्रकृति लेकर आए हैं वो भी अगर सहज होती है तो कैसे मालूम होगा कि उनकी प्रकृति सहज है। जिसकी प्रकृति सहज हो जाती है वो इस दुनिया में कुछ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते हैं। उनके पास जो है वो देता है, लेते नहीं है। उनकी जरूरत कितनी है तो कि हवा, पानी, खुराक, ये उनकी जरूरत है, उसके ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो कुछ भी है वो देगा। हम कुत्ते को खाना देते हैं, कुत्ता हमारी रक्षा करता है, सिक्योरिटी गार्ड। हम गाय को खाना देता है, वो हमको दूध देती है। आप समझो, ये सूर्य नारायण जो है अपनी रोशनी खुद नहीं लेता है, वो दुनिया को देता है, वो खुद जलता है, वो दूसरे को प्रकाशित करता है। ये नदियां क्या करती हैं? दूसरे को पानी देती है। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? दूसरे को फल देते हैं, पत्ते देते हैं, छाया देते हैं, सुवास देते हैं, हमको प्राणवायु देते हैं, देने का काम करते हैं। तो जो भी लोग नेचुरल होते हैं वो दुनिया को देते हैं, लेते नहीं है। ये साहजिकता की पहली निशानी है। जो व्यक्ति इस दुनिया में सहज हो जाता है, उनकी भावना भी सहज हो जाती है, उनकी प्रकृति भी सहज होती है, वो कभी लेने का नहीं सोचते हैं। उनको खाना पीना जरूरत मिल गई, बाद में उनके पास जो कुछ भी है वो देने के लिए सोचता है, मैं कैसे दूं, कैसे दूं, कैसे दूं, यही उसकी भावना है। क्यों ऐसी भावना है? क्योंकि वो सहज है। सहज का मतलब क्या होता है? उनको मालूम है वास्तव में ये मेरा है ही नहीं, ये तो कुदरत का है। जब शरीर ही कुदरत का है तो संपत्ति भी किसकी होगी? कुदरत की। संबंध भी किसके होंगे? कुदरत के। साधन भी किसके होंगे? कुदरत के। तो मैं अपनी जरूरियात के मुताबिक उसका मैं उपभोग करूंगा,
उपयोग करूंगा मगर बाकी का चीज मैं क्या करूंगा, लोगों को बांटूंगा। क्यों बांटूंगा? क्योंकि मेरी प्रकृति सहज है। सहज वाले को सोचना नहीं पड़ता है कि कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सोचो आप जरा, कुत्ते गाय कभी सोचते नहीं है कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं नहीं सोचते, क्योंकि वह सहज है। हम असहज है, घर में इतना सारा खाना भरा पड़ा है फिर भी सोचेंगे कल क्या होगा। यही हमारी असहजता असरलता है और इसीलिए इंसान हर समय टेंशन में आ जाता है। तो आध्यात्म विज्ञान आपको सहजता की ओर ले जाता है, क्योंकि आपको बार बार कहता हूं, मन वचन काया और पांच इंद्रियों में से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को कुदरती रचना के रूप में ही देखने का प्रयास करो। और जब कुदरती रचना के रूप में देखोगे वही तो आपकी साहजिकता है, फिर न अज्ञान है, न राग द्वेष है, न कसाय है, न मालिकी भाव है, न कर्ता भाव है, न भीख है, न भय है। और यही तो हमारी खुमारी है, और खुमारी के साथ हम, हमारे पास जो कुछ भी है हम दूसरे को बांटेंगे, क्योंकि वैसे भी दुनिया का है, न लेके आए हैं न लेके जाने वाले हैं, यह दुनिया का और दुनिया के पास ही रहेगा। तो क्यों हम अपने खुद के हाथों से क्यों नहीं किसी को बांटें? और यही तो साहजिकता है। और बांटने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने आप को गौरव महसूस करें कि मैंने दिया, वो नहीं है। ये पेड़ हमको फल देता है, कभी गौरव नहीं करता है कि मैंने आपको फल दिया है, मैं आपको छाया देता हूँ, मैं आपको प्राणवायु देता हूँ, मैं आपको स्वास्थ्य देता हूं, ऐसा कभी अहंकार नहीं करता है। तो बात समझने की जरूरत है हमको भी, हम तो इंसान है, ये तो एकेंद्रीय जीव है, ये एनिमल है। वो भी समझते हैं कि हमको खाना देते हैं तो हमको रक्षा करना चाहिए, गाय भी समझती है हमको खाना देते हैं तो हमको दूध देना चाहिए, यार कुछ ना कुछ वो देते हैं। घोड़े को खाना खिलाते हैं तो हमको सवारी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो हेल्प करता है। तो हर प्राणी जो होता है, गधे को भी खिलाते हैं तो वो भी अपने सर पे सामान उठा के ले जाने का काम करते हैं। तो आप समझो जरा, ऐसे एनिमल के पास भी ये सोच है कि मैं किसी को कुछ काम में आऊं, इसके लिए मेरा जीवन है। और हम इंसान होके, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड होके, समझदार होके भी हम यही सोचते हैं हम दुनिया में से कितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्राप्त करें, देने का कभी सोचते नहीं है। बस यही हमारी कमजोरी है। और कुदरत कहती है तुम सोचो या ना सोचो, एक दिन तो तुमको सब कुछ छोड़ना ही है। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। मगर आपकी जो असहजता है वो ही आपको नेक्स्ट बर्थ में उसी के कर्मों का फल आपको मिलेगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और हम आध्यात्म के मार्ग में अपने ही प्रश्न या उलझन का समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को और ऊंचाई पे ले जाए और मंगलमय बनाए, यही मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आना ऊपर थी प्रश्न थाई छे कि तमे अवारनवार क्यों छो के हिंदी हिंदी आप कितने बार ऐसे कहते हैं कि प्राणियों को कुछ संघर्ना नहीं होता है पर उसके पास बुद्धि नहीं है ना, इसलिए वो नहीं करते। तो वो मुझे कंफ्यूजन होता है कि बुद्धि नहीं है इसलिए नहीं करते, तो मनुष्य पास बुद्धि है इसलिए वो ऐसा कुछ करता है। नहीं, तो मनुष्य के पास बुद्धि है तो वो तो उनसे ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? नहीं, वो तो सही है, मैं वही तो बात करता हूँ। हमारे पास बुद्धि है तो हमारी सोच तो उससे अच्छी होनी चाहिए, और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए कि बुरी होनी चाहिए? नहीं, अच्छी होनी चाहिए, पर जो प्राणी के पास, वही तो मैं कहना चाहता हूँ, और ये झाड़ पान सबको बुद्धि हो तो वो भी ऐसा कुछ कर सकते थे ना, मनुष्य जैसा संघर्ष का। मेरा कहने का सिंपल मतलब क्या है? मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई पवित्र साधु है, कोई पवित्र संत है, कोई पवित्र सन्यासी है, वो न किसी के पास न कुछ मांगते हैं, न पैसा मांगते हैं, न और कोई चीज मांगते हैं, और सिंपल तरीके से वो रहते हैं, छोटी मोटी झोपड़ी के अंदर कुदरती वातावरण में रहते हैं, वो खाना खाते हैं और दुनिया को फिर अपना जो भी कहे वो बांटते रहते हैं, ज्ञान कहो जो भी कहो वो बांटते रहते हैं,
लोग उनको पैसा देते हैं तो भी वो पैसों का भी वो बांटते रहते हैं, खाना पीना सबको बांटते रहता है और अपना आनंद में रहता है। वो क्यों रहता है आनंद में? क्योंकि वो बांटता रहता है, वो इकट्ठा नहीं करते हैं, वो भी तो इंसान है और इसीलिए वो वंदन के लिए लायक होता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इंसान जो होते हैं आज कलयुग और सतयुग में अंतर क्या है? सतयुग में यही होता है, दुनिया में जो भी व्यक्ति होती है वो दूसरे को क्या दे सकते हैं वही सोच सतयुग के अंदर इंसान की होती है। जो भी कला है, जो भी उनके पास साधन है, खाना पीना और जो कुछ भी कहो, वो हुनर है उनके पास, उनके पास आर्ट है, तो वो शेयर नहीं करते हैं, वो शेयर करते हैं इन सतयुग। और कलयुग के अंदर वही चीज को हम सेल करते हैं, बस यही डिफरेंस है और इसीलिए मनुष्य फिर स्वार्थी हो गया, ये अपने पैसे का अच्छा चक्कर चालू हो गया। अच्छा समझाया, पर मेरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए कि प्राणी के साथ क्यों हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि प्राणी के पास बुद्धि नहीं है तो वो तो नहीं इकट्ठा करेंगे ना। नहीं, मैंने कंपेयर करने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको साहजिक जीवन जीना है तो विज्ञान डाइजेस्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और उनके पास बुद्धि नहीं है तो उनके पास तो साहजिकता होने के बावजूद भी वो डेवलप नहीं हो सकते क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, मगर हम अगर साहजिक हो गए तो हम डेवलपमेंट आसानी से कर सकते हैं क्योंकि कुदरत के साथ तो जीना है, तो इसीलिए मैंने कंपेयर किया। आप समझे कि साहजिक जीवन कैसा होता है? तो ऐसा होता है, वो भी हवा लेता है, वो भी पानी लेता है, वो भी खुराक लेता है, मगर फिर भी साहजिक क्यों होता है? क्योंकि वो देना चाहते हैं, जो भी है उनके पास वो देते हैं। ऐसे मैं कहता हूं अगर इंसान भी ऐसा बन जाए, हवा ले, पानी ले, खुराक ले, मगर जो भी उनके पास है वो बांटते रहेगा, अपने आप उसका जीवन सहज हो जाएगा, अपने आप उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, अपने आप इसका जीवन निर्बोध हो जाएगा। और ऐसे पवित्र जीवन होता है, निर्बोध जीवन होता है, वही इस दुनिया में से कुछ पा सकता है। पर प्राणी को पता लगता है कि वो दे रहा है कि हमको लगता है मनुष्य को कि वो दे रहा है? नहीं, प्राणी को पता है कि नहीं है, वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी बात यह है कि साहजिक जीवन कैसे होता है वो मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया। अच्छा, जय सच्चिदानंद। तो हम इंसान होते हैं तो सहज कैसे होने चाहिए? हमारे पास जो होते वो बांटते रहो। लोग कहते हैं कि बांटोगे तो कम हो जाएगा, कभी कम नहीं होगा। दुनिया में ऐसे आज भी हजारों अनाथ आश्रम है, हजारों भिक्षा देने का स्थान है, जहां कहीं सालों से, कहीं वर्षों से खाना पीना मुफ्त बांटते रहते हैं, कभी कमी नहीं आई। वो सही है। और पैसे से चलने वाली होटलें बंद हो जाती है। नहीं, आप सोचने की बात है, मैं सोचने की बात करता हूँ। पैसे लेकर चलने वाली होटलें बंद हो जाती है, पैसे लेकर चलने वाली मोटलें बंद हो सकती है, मगर मुफ्त धर्मशाला और मुफ्त भोजनशाला कभी बंद नहीं होती है। ये भी तो प्रमाण है ना। तो मैं सहजता की बात, ये सब एग्जाम्पल मेरा ऐसा नहीं कि आप करो, साहजिक जीवन कैसा होना चाहिए, हम बांटते रहेंगे और हमारे जीवन में वो आनंद का अनुभव करेंगे। कौन से आनंद का? जिसमें भीख और भय नहीं होगा, जिसमें आत्मा की खुमारी होगी, जिसमें दुनिया के सनातन सत्य की खोज करने का, अनुभव करने का एक प्रयास होगा, और वही प्रयास से जो कुछ भी पाया है वो भी हम बांटते रहेंगे। तो ये बांटने का जो आनंद है, प्राप्त करना है कुदरत के पास से और बांटना है इंसानों को, बस यही हमारा काम है, क्योंकि है भी तो कुदरत का, हमारा नहीं है। और आज जो भी भौतिक चीज हमको मिली है वो भी कुदरत की तो है। बट स्वामी जी, उदय करना में होगा तो ही बन सकेगा ना, अदरवाइज कांट। नहीं, मगर मैंने दो बात कहा, भाव करने का, भावना की बात भी कहा और चारित्र की बात भी कहा। अगर चारित्र में है तो बेस्ट है, चारित्र में नहीं है तो भाव तो कर सकते हैं ना। हाँ, वो कर सकते हैं। हाँ, जय सच्चिदानंद। तो दोनों की बात मैंने किया। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।
अभी आपने बात की सहजता से भी डेवलपमेंट को हेल्प मिल सकता है, तो ज्ञान दर्शन में आत्मा का ज्ञान होने के बाद वो सहजता हेल्प करेगी या बिना आत्मा को जाने भी किसी को इसका पता भी नहीं है, अज्ञानी को भी सहजता आत्मा के तरफ का डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है? नहीं, बताऊं मैं आपको ये साहजिकता का मतलब क्या है। साहजिकता इज नॉट कनेक्ट विद द डूअरशिप एंड ओनरशिप। साहजिकता का मतलब होता है हमको जो भी मिलता है वो बांटते रहो बांटते रहो। क्यों बांटते रहोगे भी हम क्यों बांटेंगे? पर व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस? तो इसीलिए क्योंकि वैसे भी तो मेरा नहीं है, तो जो मालिक की भाव है वो खत्म हो जाता है और करता वो मैंने किया वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपकी प्रकृति जितनी सहज होगी, आपको ये कुदरती कानून को समझना, कुदरत को समझना, छह तत्वों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, मालिकी भाव खत्म हो जाएगा। यही तो समर्थ पुरुषों की निशानी है, साइन, कि वो क्यों समर्थ हैं। वो दुनिया को प्राप्त करके समर्थ नहीं है, वो बांटते रहते वही उसकी सामर्थ्य है, इसमें भीख भय नहीं होता है और यही तो उनकी खुमारी है। और जिसके अंदर भीख और भय नहीं है इसको दुनिया क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ हाँ, अब ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई डेवलपमेंट हुआ हुआ जीव ही ऐसे सजीवता भी ले लेके आ सकता है। कोई अज्ञान ऐसा सजीवता लेके शायद मुश्किल होगा। तो अभी अगर हमारे प्रकृति में सजीवता नहीं लाए तो कोई बात नहीं, हम परमात्मा को प्रार्थना करें कि भी हमारा जीवन कम से कम सहज रहे और दूसरे को बांटने का रहे, और बांटने के लिए हमको अहंकार करने की भी जरूरत नहीं है। हम इसीलिए बांटते हैं क्योंकि कुदरत का ही तो है और कुदरत को बांटते हैं। कुदरत ने बनाए हुए जो निमित है, मनुष्य है, प्राणी है, समंदर है, पेड़ है, एनिमल्स हैं, उनको तो हम बांटते हैं, वो भी कुदरत का है, हम भी कुदरत के हैं, तो कुदरत का ही कुदरत को बांटते हैं। कुदरत ने बनाए हुए एनिमल्स को, ह्यूमन को बांटते हैं। और मेरा क्या है, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, और बाकी जो कुदरत ने दिया है मैं खुद खाना पीना खाता हूँ, बाकी लोगों को बांटता रहता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी ये खाना पीना खाने के बाद जो कुछ प्राप्त हुआ है, साधना सिद्धि करके कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, दर्शन प्राप्त हुआ है, कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है, आर्ट प्राप्त हुआ है, तो मैं किस सबको बांटता रहूं, क्योंकि वैसे भी कुदरती है। अगर नहीं बांटूंगा तो एक दिन तो बॉडी का तो अंत होने वाला है, फिर वो साथ में नहीं आने वाला है। तो ये साहजिकता की बात है, ये सतयुग की निशानी है और सतयुग में लोग इसीलिए ये डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट डेवलप हुआ है वो साहजिकता उसमें रहती है। हाँ, डेवलपमेंट साहजिकता होने से आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फास्ट होगा, क्योंकि आप डिसकनेक्ट हो जाओगे रिलेटिव ट्रूथ से, अपने आप डिसकनेक्ट हो जाओगे जो पजेसिवनेस है, ओनरशिप एंड डूअरशिप है, उससे आप दूर हो जाओगे, तो अपने आप ये दुनिया के सनातन सत्य को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप समझे ना, अगर मालिक की भाव कर्ता भाव के साथ ये दुनिया को समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए टफ हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। शायद नॉलेज हो सकता है, प्रैक्टिकल नहीं होगा। आप जो जिस आज जिस साहजिकता की फीलिंग चाहते हैं वो फीलिंग आप में नहीं आएगी, हो सकता है नॉलेज आ जाए। हाँ, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। हाँ स्वामी जी, अभी मेरा और एक प्रश्न है, ये आत्मा एक मनुष्य भव में आठ कर्म बन सकता है, आठ भव? आवाज आवाज डिस्टर्ब क्यों होता है थोड़ा? हाँ, आवाज आ रही है मगर टुटक टुटक आ रही है, मतलब उसमें डिस्टरबेंस लगता है। बोलिए। हाँ, हाँ स्वामी जी, वो आठ भव का कर्म बांधते हैं एक भव में, वो मैक्सिमम। आप जब बोले आठ भव बोलो तो बोलो मैक्सिमम, बोलो मैक्सिमम। हर व्यक्ति आठ भव का कर्म नहीं बांधती है, मैक्सिमम बोलो, मतलब रेंज बताया। हाँ, नहीं,
आप जैसा फीड करोगे ना ऐसा आपके दिमाग में रहेगा, फिर वो दूसरा व्यक्ति भी यही सुनेगा फिर। हाँ, नहीं आपको ये छोटी बात लगती है, मैं एक साइंटिस्ट होकर बताता हूँ कि अगर मेरे एक शब्द भी गलत होता है तो लोगों को ये गलत माहिती मिल जाती है, फिर इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो तो है। अभी एक मनुष्य जब वो मनुष्य भाव में रहता है तब भी वो एक नरक गति का या स्वर्ग गति का भी बन सकता है, लेकिन वो मनुष्य गति के बाद नरक गति ऐसा बन सकता है कि वो पहले नेक्स्ट भाव में मैं मनुष्य बनूंगा उसके नेक्स्ट नरक ऐसा हो सकता है? नेक्स्ट भाव में मनुष्य बन सकता हूँ मतलब मैं एक भव दो ना, एक मनुष्य का भव और नेक्स्ट उसका नरक का भव ऐसा हो सकता है? और बाद में तभी आपका आवाज एको होता है इसलिए कुछ नहीं देता, क्लियर नहीं है। हाँ हाँ अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। वो बोलते हैं कृष्ण भगवान वासुदेव बनने से पहले ही नरक गति का बांध दिया था, क्या वो मनुष्य वासुदेव बनने के पहले ही नरक गति बांध के बाद में वो नरक गति के लिए गए, वासुदेव का अवतार के कारण नहीं? खैर छोड़ो, हम इसे पर्टिकुलर बात नहीं करेंगे ऐसे महान पुरुषों की कि उन्होंने कर्म चार्ज किया था और क्यों नरक में गए। हमको तो यही सोचना है कि कोई भी व्यक्ति अगर नरक जैसा कर्म चार्ज करेंगे तो उसको नरक गति में जाना ही पड़ेगा, एक्स वाई जेड। जब भी वो चार्ज करेगा तो डिस्चार्ज करने के लिए जाना पड़ेगा, दैट्स इट। फिर कब चार्ज किया है उस अवतार में इस अवतार में उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वी फॉलो द प्रिंसिपल कि आपने देवलोक का कर्म किया है तो देवलोक को आपका देवलोक में आपका जन्म होगा, अगर आपने पाशवी कर्म किया है तो पशु योनि में आपका जन्म होगा, अगर आपका राक्षसी कर्म है नरक गति में आपका जन्म होगा, और आपका मानवीय कर्म है ह्यूमैनिटी वाला कर्म है तो मनुष्य भाव का आपको जन्म मिलेगा, और आपका कोई भी कर्म नहीं है तो आपको मोक्ष मिलेगा। ये सिंपल प्रिंसिपल है, उसमें व्यक्तिगत किसी को कब क्या हुआ वो डिटेल में जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है हमको। नहीं स्वामी जी, वो मैं एक कर्म का बंद पड़ता है ना तो मनुष्य भाव में से एक भाव का ही बनता है, उसका नेक्स्ट का नरक है हो सकता है ना? तो दो भाव होता है, इसको एक भाव नहीं बोलेंगे। अगर मनुष्य भाव में से नरक गति में जाके फिर मनुष्य में आएगा तो दो भाव का कर्म हो गया। कितना हो गया? हैंग हो गया। हेलो हेलो जमीन, आपका म्यूट। हेलो, हाँ आपका हैंग हो गया है। अभी सुनाई दे रहा है जी? सुनाई देता है, वीडियो बंद कर दो आपका, जरा इंटरनेट पावरफुल नहीं है, वीडियो बंद कर दो प्लीज और बोलिए। हाँ, हाँ अभी मैं नेक्स्ट जन्म में मनुष्य गति बांध के उसके नेक्स्ट सेकंड जन्म नरक का ऐसा बन सकती हूँ कि सिर्फ मनुष्य का बन सकती हूँ? कोई भी कर सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? नहीं, पहला नरक है या पहला मानव मनुष्य गति होगा? आप समझे ही नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आठ भव का कर्म हमने चार्ज किया है तो आठवां भव ही मनुष्य का होता है, अगर मैंने पांच भव का कर्म चार्ज किया है तो पांचवा भव ही मनुष्य का होता है, अगर मैंने दो भव का कर्म किया है तो दूसरा भव ही मनुष्य का होगा, और हमने एक वर्ष का चार्ज किया है तो नेक्स्ट बर्थ मेरा मनुष्य होगा। ये मैंने क्लियर कर दिया है पहले। हाँ, हमारा ऐसा स्वामी जी हो गया कि डिस्कशन में ऐसा हुआ कि नरक कोई ज्ञानी नरक में गति बांध सकता है कि नहीं? बांध सकता है, ज्ञानी भी बांध सकता है, तीर्थंकर भी अगले अवतार में नरक गति में जा सकते हैं। हाँ, उसमें तो कोई मना है ही नहीं ना। हाँ वो नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान है तो वो कैसे नरक में गति में कैसे बांधेगा, इसका एक प्रश्न था कि वो ज्ञानी होता है उसको सब पता होता है तो भी वो कैसे नरक गति बांध सकता है? वो ज्ञानी होते हुए भी नरक गति का कर्म क्यों बांधते हैं?
क्योंकि वो ज्ञानी है मगर वो उसको केवल दर्शन नहीं हुआ है, वहां तक वो कर्म चार्ज कर सकता है और करता भी है। हाँ। केवल दर्शन के बाद वो कर्म चार्ज नहीं करता है, तो केवल दर्शन के पहले कोई भी व्यक्ति कोई भी गति के कर्म चार्ज कर सकते हैं, कोई भी गति के। हाँ, हाँ, हाँ। कोई भी व्यक्ति, इसमें एक्स वाई जेड नहीं आता है, अज्ञानी हाँ। भी आ गया, ज्ञानी भी आ गया, विज्ञानी भी आ गया। हाँ। जब केवल दर्शन नहीं होगा, कर्म चार्ज होगा ही चारों में से कोई भी गति का। वो सच, वो विज्ञान आपने सही बताया, लेकिन हमारे डिस्कशन में ऐसे हुआ कि कोई भी वासुदेव बनने के लिए वो नरक गति का कर्म वासुदेव गति बांधते वक्त ही बांध लेता है। वो ठीक है, वो वासुदेव की गति में तो आप नरक गति के कर्म बांध सकते हैं, चक्रवर्ती भी नरक गति में जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो चक्रेश्वरी वो नरकेश्वरी होता है और वासुदेव भी नरक गति में जाते हैं, वो तो इसीलिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं जरूरी नहीं है, जाते हैं। हाँ, वो जरूरी नहीं है कि वो जाते ही हैं। हाँ, मगर जिस प्रकार से उनका रोल होता है चक्रवर्ती का और वासुदेव का, रोल के मुताबिक वो ज्यादातर नर गति में जाते हैं। हाँ, वो बंध के कारण नहीं है, वो वासुदेव का अवतार में ही बांधते हैं नर्क का। हाँ, वासुदेव के अवतार में और चक्रवर्ती के अवतार में ही नर गति का बंध बांधते हैं। हाँ। उनकी पोस्ट ऐसी है, उनका अहंकार भी ऐसा होता है, और अहंकार के अंदर जिस प्रकार से तीव्रता होती है, वो तीव्रता से उसको नरक गति का कर्म बांधना बहुत आसान होता है। इस हाई लेवल ईगो होता है और लाखों हाँ। करोड़ों के साथ उनका ईगो जुड़ा हुआ होता है, अच्छा हाँ। करे तो भी और बुरा करे तो भी। हाँ। दोनों की बात करता हूँ। और भी अभी एक दादा ने बताया है कि प्राणी को मारने से या वो प्राणी आपको वैर बांध सकता है, क्या प्राणी को तो कर्म बांधने का सत्ता नहीं है ना उसको? प्राणी समझा नहीं, फिर दादा भगवान ने क्या कहा है, रिपीट कीजिए पूरा सेंटेंस पूरा। एनिमल या कोई प्राणी को भी हम हिंसा करते हैं तो वो वैर बांधता है। इंसान वैर बांधता है, प्राणी नहीं बांधता है। हाँ, प्राणी नहीं बांधता है, प्राणी नहीं बांधता है, नहीं, वो मनुष्य का ही कर्मों का फल वो वैर जैसा आता है। हाँ, वो मनुष्य भाव में उन्होंने वैर बांधा है, और वो अगर एनिमल में जाके हमारे साथ वो हिसाब खत्म करता है। हाँ, आप समझे ना, मगर एनिमल में जाके वो वैर नहीं बांध सकता है, वो वैर खत्म कर सकता है, कर्मों का फल भुगतान कर सकता है। हेलो, एक भाईનો નામ નથી પણ એમનો 65 નંબર છે, એ હાથ ઊંચો કર્યો તો પછી પાછો મૂકી દીધો, તમારે કઈ વાત કરવી છે સ્વામીજી સાથે? એક મિનિટ કાઢો નહીં, રાયચંદભાઈને આપી દો ને, આંગળી ઊંચી કરે છે। હા, ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી। મેરા પ્રશ્ન હૈ, ઘાતી કર્મ, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન, મોહનીય કર્મ, अंतराय कर्म, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का नाश साम्यक ज्ञान और साम्यक दर्शन से हो जाता है। जब साम्यक ज्ञान और साम्यक दर्शन पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, यानी समझ में अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, तो सातवें गुण स्थान तक पहुंच जाए। क्या आठवें से ग्यारहवें स्थान तक मोहनीय कर्मों का पुरुषार्थ से नाश करना होता है? क्योंकि पहले आपने मोहनीय कर्म का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के नाश और समझ से आप सातवें गुण स्थान तक पहुंच जाएंगे, और आठवें से ग्यारहवें तक आपको मोहनीय कर्म का नाश करना होता है। और देहाध्यास, मोहनीय कर्म और देहाध्यास क्या एक ही चीज है? आठवें से ग्यारहवें तक क्या देहाध्यास खत्म करने का पुरुषार्थ है? मतलब है देहाध्यास खत्म करने का ही पुरुषार्थ आठ से ग्यारह तक होता है, और जब देहाध्यास पूर्ण रूप से खत्म हो गया
तब क्या आपको केवल दर्शन हो जाएगा कि देहाध्यास के साथ कुछ और भी आपको समाप्त करना पड़ता है? मतलब सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि आपको देहाध्यास खत्म करना है? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि बात सही है कि देहाध्यास खत्म करना है, देह में आत्मबुद्धि, और वही सबसे बड़ा अज्ञान है और वही सबसे बड़ा मोह है, वही सबसे बड़ा मालिकी भाव है, उसके साथ ही हमारा कर्ता भाव भी जुड़ा हुआ है। और जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है वो हमको इस दुनिया के सनातन सत्य को समझने के लिए हेल्प करता है। अपने शुद्धात्मा पद में रहकर ये पांच इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है ये सबको कुदरती रचना देखने का मतलब होता है। आपका दर्शन की शुद्धि होती है, अंदर ज्ञान की शुद्धि होती है और बाहर दर्शन की शुद्धि होती है। ये ज्ञान दर्शन की शुद्धि होती है, शुद्धि होते होते हुए आपका डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद आपको मालूम है कि मैं वैसे तो मैं शुद्धात्मा हूं, मगर जो आपका जो देहाध्यास है वास्तव में शरीर के साथ जुड़ा हुआ मालिकी भाव और कर्ता भाव, ये जो मेरा देहाध्यास है वो देहाध्यास टूटता है। मगर कैसे टूटता है? तो के ये ज्ञान और दर्शन का ही तो उपयोग करना है, ज्ञान दर्शन का ही उपयोग करना है, मगर वो ज्ञान दर्शन के उपयोग करते करते देह के साथ का जो मालिकी भाव है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? जैसे कोई चीज को छोड़ना होता है तो हमको लगता है कि हमने छोड़ा है, कोई चीज प्राप्त करते हैं तो हमको लगता है कि मैंने ये प्राप्त किया। जब सातवें के बाद, सातवें गुंठाने के बाद जब आप ज्ञान दर्शन का उपयोग करोगे तो आपको मालूम है ना मैं कुछ छोड़ता हूँ ना मैं कुछ त्याग करता हूँ, है ही कुदरत का। ये मालिकी भाव जो है वो मालिकी भाव मेरे को खत्म करना है ये ज्ञान दर्शन का उपयोग करके। और मालिकी भाव नहीं है, कर्ता भाव नहीं है हमारा, तो फिर देहाध्यास को छोड़ना आसान हो जाता है। मगर ये सातवें तक आपको पूरा केवल दर्शन को समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप प्रकृति से मुक्त रह सकते हैं। हम ये समझते हैं कि प्रकृति सिर्फ मन वचन काया है, मन वचन काया ही प्रकृति नहीं है, मेरी प्रकृति है, दूसरे की प्रकृति है, ये कुदरत भी है, ये कर्मों का फल भी है, ये भौतिक चीजों भी है, ये सब कुछ है, वो देहाध्यास ही तो है क्योंकि उसके ऊपर ही तो हमारी मालिकी भाव कर्ता भाव है। तो ये जो मालिकी भाव कर्ता भाव क्यों है? क्योंकि मोहनीय कर्म है, उसमें से कुछ मिलेगा, उससे कुछ प्राप्त होगा। ये जो हमारी जो सोच है वो ही हमको केवल दर्शन में बाधा होती है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम खुद ही अनंत ज्ञान वाले हैं और दूसरी बात हमको ये समझता है कि यहां से मेरे को मिलेगा, इस चीज से मिलेगा, इस व्यक्ति से मिलेगा, इस साधन से मिलेगा, इस शरीर से मिलेगा, यही तो हमारी भ्रांति है। और यही भ्रांति को तोड़ना है तो लास्ट में जब केवल दर्शन होता है उससे पहले देहाध्यास हमारा 100% खत्म हो जाता है। और 100% देहाध्यास खत्म हो गया तो फिर प्रकृति और परमात्मा को संपूर्ण अलग देखना आपके लिए आसान हो गया। लेकिन देखने वाली जो हमारी जो आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है, वो भी तो फिर खत्म हो जाती है ना? हाँ, फिर जब आपको अज्ञान रहेगा ही नहीं, देहाध्यास भी नहीं रहेगा, तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा का कोई रोल भी नहीं है ना। तो इस स्थिति में पहुंचने से तमाम प्रकार के बिलीफ भी खत्म हो जाएंगे। अफकोर्स, बिलीफ क्यों है? रिलेटिव सत्य से तो बिलीफ है, जब रिलेटिव सत्य ही नहीं रहा आपकी दृष्टि में तो बिलीफ कैसे रहेगी? तो ये कहने वाला कि मैं शुद्ध आत्मा हूं वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा केवल दर्शन के बाद। यू आर राइट। तो ना मैं शुद्ध आत्मा हूं कुछ मतलब सिर्फ दो ही चीजें रह जाएंगी, शुद्ध आत्मा और ये प्रकृति, बस दो ही चीजें रह गई, बाकी बीच का सब खत्म हो गया। हाँ, ये दोनों चीज रहेगी और अलग है। बताओ मैं आपको, अभी आप कहोगे प्रकृति भी रहेगी और परमात्मा भी रहेगा, मगर प्रकृति तो पूरा ब्रह्मांड ही तो प्रकृति है।
तो बाद में जब केवल दर्शन हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड ही प्रकृति हो गई। तो ये मन वचन काया भी वही प्रकृति का भाग है और मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं हूं, ये हो जाएगा। आप समझे, आप समझे जी। लेकिन जो क्रियाएं हैं, मतलब केवल दर्शन के बाद भी जो क्रियाएं हैं वो तो एज इट इज चलेंगी, अगर उसमें गुस्सा भी आएगा उसको पहले भी कुदरती रचना थी और बाद में भी कुदरती रचना रहेगी और केवल ज्ञान के बाद भी कुदरती रचना रहेगी। हाँ, लेकिन उसको उसमें उसके साथ कोई अटैचमेंट खत्म हो जाएगी सब। वही तो बात है ना, वही तो बात है। अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर राग द्वेष का सवाल ही नहीं है। हमारा प्रकृति के साथ लगाव है, प्रकृति के साथ जुड़ाव है, प्रकृति के साथ कनेक्शन है, तभी तो हम रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक व्यक्ति, मैं एग्जांपल देता हूं, आप जैन है तो इसीलिए, अगर एक व्यक्ति आज 15 साल या 20 साल की उम्र में ग्रेजुएट होके गोल्ड मेडलिस्ट होके कोई भी फील्ड में, या तो डॉक्टर होके गोल्ड मेडलिस्ट होके, या चार्टर्ड अकाउंटेंट होके, या इंजीनियर होके 20 22 या 25 साल की उम्र में वो दीक्षा ले लेता है तो समाज क्या कहेगा इसको? नॉर्मल समाज क्या कहेगा इसको? भी अच्छा नहीं किया इसने। अगर आपको दीक्षा ही लेना था तो इतना पढ़ाई खर्चा, इतना पढ़ाई करने की जरूरत थी? हाँ, अगर आपने पढ़ाई किया है, आप इतने पढ़े लिखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो समाज को कुछ सेवा करो। बिल्कुल, यही कहेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि ये रिलेटिव सत्य है। क्या है? रिलेटिव सत्य है। हाँ, मगर जो व्यक्ति अपने देहाध्यास को खत्म करके अपनी मुक्ति की मार्ग में आगे चल जाता है तो फिर दुनिया उसको कहेंगी या न कहेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी प्रकृति तो कुदरती रचना हो गई। हाँ, कुदरती रचना हो गई। हाँ, फिर गाली देते वो भी कुदरती रचना है, मान सम्मान देते वो भी कुदरती रचना हो गई। यहाँ यहाँ जो नॉर्मल व्यक्ति जो दीक्षा लेती है उदय कर्म के अधीन, उसके अंदर अज्ञान नहीं गया है, तभी तकलीफ है। हाँ, बिल्कुल। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वो उसमें जो कर्ता भाव है वो गया नहीं है, मतलब अज्ञान पूरा पड़ा हुआ है ना, पूरा पड़ा हुआ है। हाँ, तो फिर समाज की तो इफेक्ट उनको होगी ही, अच्छी बुरी जो भी है। आज भगवान महावीर 30 साल की उम्र में 26 साल की अपनी धर्म पत्नी को छोड़ के और 2-3 साल की अपनी बच्ची को छोड़ के, समाज को छोड़ के, परिवार को छोड़ के निकल गए जंगल के अंदर। तो भगवान को कोई तकलीफ नहीं है कि भी भगवान ने ये गलती किया। अगर कोई कहेगा तो भी कोई उनको फर्क नहीं होता है, क्योंकि उनका देहाध्यास खत्म हो गया है। देहाध्यास खत्म हो गया, अभी गाली दो या सम्मान दो उससे कोई फर्क नहीं होगा। सब देहाध्यास जो ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जरूरी है, बाद में देहाध्यास को खत्म करना जरूरी है। देहाध्यास और मोहनीय कर्म एक ही चीज है, एक ही चीज है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। जैसे जैसे देहाध्यास खत्म होता जाएगा आपका डेवलपमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। मनहर भाई। हाँ, हेलो। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं एक ये विज्ञान समझने के बाद जो हमारी पोजीशन होती है इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जब हमारा कोई बाहर का कोई संजोग नहीं होता, कोई फाइल नहीं होती और हम अकेले बैठते हैं, सोते हैं, तब ऐसा फीलिंग होता है। हम जब ये 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 विज्ञान विज्ञान को हम सेट करते हैं तब ये प्रकृति हमारी अलग दिखती है और हमारा जो अस्तित्व है, जो मैं हूं, मैं जो हमारा अस्तित्व, वो अस्तित्व है, वो चाहे वो प्रतिष्ठित आत्मा है या मूड आत्मा है वो हमको मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो अस्तित्व है और हमारी फाइल नंबर 1 यानी कि हमारी प्रकृति, वो सेपरेट रहती है। वो ऐसी जो दशा आती है कि वहां जो कोई भाव भी नहीं होता, कोई भी भाव नहीं, भाव नहीं, और वो जो विज्ञान है वो 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 तो लक्ष्य में आ गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, जागृति में रहता है। वो जो शब्द है, शब्द का जो
वो शब्द पर हम डिपेंडेंट थे, वो शब्द अब लक्ष्य में आ गया, वो तो रहता है। तो क्या वो पोजीशन में जो हम रहते हैं और ये कंडीशन में रहते 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 हमको चाहे सोते तो नींद आ जाती है, और हम जब उठते हैं तो वही कंडीशन मालूम होती है, वही कंडीशन उठते हैं तो बीच में क्या कोई चार्ज होता है, कोई अभाव दशा होती है, कोई भाव नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ऐसी ही दशा है या चार्ज होती है? कोई चार्ज तो होगी, पुरुषार्थ में जाएगा, इसलिए चार्ज होगा, मगर चार्ज क्या होगा? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग, संसार के लिए लायक सहायक संयोग चार्ज नहीं होगा, नहीं होता है वो 100% हर 100% वो ही संयोग चार्ज होगा। हाँ, और ये अच्छी दशा है, ऐसा होना अच्छी बात है कि रात को सोते समय हम विज्ञान में रहे और पूरी रात रहा और सुबह उठते वही अपने आप स्वयं आ गया, मतलब ये आपकी पूरी रात आपको ये जागृति का आपको बेनिफिट मिला। हाँ, बस ये ही पूछना था। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कमलेश, अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, लिखा है मैंने पर इस, आपने आज सवेरे एक वीडियो सुनी, उसमें आपने बताया कि इस ज्ञान को नहीं समझ में आने का, नहीं पचाने का और नहीं अनुभव करने का मात्र एक ही कारण है, भीख और भय। तो दूसरी तरफ पिछले जन्म की डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान भी काम करता है। तो एक और एंगल से समझे तो साइंटिस्ट अपनी लॉजिकल बुद्धि से इसको इसका खुलासा करते हैं, ना कि श्रद्धा से, जहां सुना और समझ लिया ऐसा भ्रम हो जाता है, श्रद्धा से सुनेंगे ऐसा लगता है कि समझ आ गया तो भ्रम हो जाता है ऐसा। तो चौगिर से वो बात को जल्दी कैच कर लेते हैं, उनकी क्वेश्चनिंग बुद्धि उनकी डेवलपमेंट को दर्शाती है। तो जो डेवलप लोगों की ऑब्जर्वेशन होती है वो कैसे बढ़े, क्या भीख भय डेवलपमेंट सभी का रोल है, और इसे मेन बाधा रुकावट क्या है? और एक तरफ आप दानतखोरी की भी आप बात करते हैं, तो इनको सबको बताइए, ये सब चीजें का क्या है आपस में, मतलब ये सब चीजें डेवलपमेंट को रोकती हैं या समझने में कोई रुकावट है इन सब के कारण? डेवलपमेंट हमारा रुका हुआ है वो यही दानतखोरी का मतलब यही भीख और भय है। मैंने जो सुबह में स्टार्टिंग में सत्संग किया उसमें यही कहा मैंने कि साहजिकता हमारी डेवलपमेंट में बहुत सहायक होती है, साहजिकता, सहज अवस्था। और ये सहज अवस्था का मतलब होता है किसी को सबको जो भी मेरे पास है वो बांटना, जो भी है वो बांटना है, यही मेरा जीवन है। और बांटता रहूंगा तो मैं अपने आप तो रहूंगा, अपने आप तो खुद में तो कोई बांटने की चीज है नहीं, मगर जो कुदरत ने दिया है वो मैं खुद खाना पीना खा के दुनिया को बांटता हूँ। अगर ऐसा रहेगा तो भीख और भय नहीं रहेगी, आपकी दानत भी खोरी नहीं रहेगी, और यही आपको आध्यात्मिक विकास के लिए आपको हेल्प होगा। अच्छा, भीख और भय इससे खत्म हो जाएगी, बांटने का जो है भीख भय क्यों रहेंगे, भावना जो ऐसे जब आपको बांटने की भावना होगी तो भीख भी क्यों रहेगी, भय भी क्यों रहेगा, किसका भय रहेगा? हाँ, ना लेना है कुछ आपको और ना चला जाने का डर है, क्योंकि वैसे भी तो आप बांट रहे हो, फिर जाएगा क्या, तो भाई किसका रहेगा? अच्छा। और यही तो इसी से तो कुमारी प्राप्त है जो आप बात करते, इसी से कुमारी प्राप्त होती है, आत्मा की कुमारी प्राप्त होती है, या आखिर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, बाकी तो सब कुदरत का है और कुदरत को दे रहा हूँ। यानी हम जैसे भजन में गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये मनोचन काया सहित हमको जो मिला वो वैसे भी कुदरत का है, और कुदरत के बनाए हुए पशु पक्षी प्राणी इंसान को हम बांट रहे हैं, तो कुदरत को ही बांट रहे हैं। अगर हम पेड़ को पानी भी पिलाते हैं तो भी कुदरत को बांटते हैं, अगर कोई एनिमल को खाना देते हैं तो भी कुदरत को बांटते हैं, अगर हम कोई इंसान को हेल्प करते हैं तो वो भी कुदरत को ही बांटते हैं, आखिर कुदरत ही तो है। हाँ,
क्योंकि मन वचन और पूरा ब्रह्मांड जो दिखता है वो कुदरती रचना तो है। हाँ कुदरती रचना है बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये जो तीन पायों की बात करते हैं कि पिछले जन्म की डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान, तो इनका क्या रोल है आपस इनका? हाँ वो तो पुरुषार्थ में आपको हेल्प करेगा ना। हाँ ये आपने कहा कि भी पिछले अवतार अच्छा। का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान हाँ। ज्ञान, ये वर्तमान हाँ। ज्ञान ही ज्ञान। तो आपको मुक्त रहने में, भीख और भय से मुक्त रहने में, मन वचन काया से मुक्त रहने में और अपनी अज्ञानता हाँ। से मुक्त रहने में, यही तो विज्ञान और ये भीख और भय की, भीख और भय से मुक्त दशा और आपकी ये साहसिकता वही आपको सहायक बनती है डेवलपमेंट में। अच्छा वर्तमान ज्ञान डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट संजोग हाँ। और वर्तमान ज्ञान, ये तीनों की हेल्प से हाँ। सार निकाल के हम पुरुषार्थ करते हैं हाँ। अच्छा हाँ उनको सार निकाल के पुरुषार्थ करते हैं। और ये जो बुद्धि बुद्धिशाली लोग होते हैं जो क्वेश्चनिंग बुद्धि है जैसे इनकी, बुद्धि से सारी चीजों को समझ पाते हैं बुद्धि से और क्वेश्चन कर लेते हैं तो बात का खुलासा कर पाते हैं अच्छी तरह से, तो हम लोग जैसे नहीं कर पाते हैं वैसा खुलासा उतना, पर समझते हैं बात को पर कर नहीं पाते हैं, तो वो वाली बुद्धि मतलब वैसे क्वेश्चनिंग बुद्धि, तो ये कैसे प्राप्त होती है, ये कैसे होगी, ये डेवलप्ड होते हैं का, क्योंकि आत्मा को तो इनको भी भान नहीं है, आत्मा तो नहीं हमारी, है बुद्धि हमारी भौतिकता के साथ तब तक जुड़ी है हमारी सोच में भीख और भय है वहां तक, ये बुद्धि रिलेटिव सत्य के साथ जुड़ी हुई होती है। जब बुद्धि में से जब भीख और भय चला जाता है वही बुद्धि अपने आप सम्यक हो जाती है और वही अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखती है और अपने शुद्धात्मा पथ को वो और स्थिर और मजबूत करती है। हाँ, समझ गया है ना? हाँ, वही बुद्धि सम्यक हो जाती है, तीनों का समझ वही बुद्धि सम्यक हो जाती है। ठीक स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, बिल्कुल समझ में आई, पकड़ में आई बात स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी ब्रेक ले लो स्वामी जी ना, अभी एक जन ले लो बाद में। ओके अशोक भाई, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि कई महात्मा आप्तवाणी और वो पढ़ के वो प्रश्न पूछते हैं, तो हमने तो एक्चुअली कुछ पढ़ा ही नहीं है और सीधा एक्चुअली हमारा जो माइंड का जो स्लेट है वो पूरा कोरा है, उसमें हम तुम्हारा ही ज्ञान हमने एडॉप्ट कर लिया है। तो मुझे ये जानना था कि प्रगति के लिए वो सब पढ़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना। No. क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि दादा वाणी पढ़ो, आप्तवाणी पढ़ो, ये सब पढ़ो तो आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा। आप टीवी देखते हैं? हम तो हर रोज टीवी देखते हैं पूरे दिन। हाँ तो उसमें कितनी सारी एड आती है? हाँ एड तो बहुत आती है। क्या वो सब चीज आप खरीदते हैं? नहीं। क्यों? वो तो जो जरूरी है वही खरीदेंगे ना। वहाँ आपको मालूम हो क्या जरूरी है वो खरीदते हैं, तो समझ लेना ना, मार्केटिंग सब करेंगे, हमको जरूरत है वो ऐड करने तो ना सब कुछ, गलती क्या है आपको? नहीं स्वामी जी, ऐसा 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 होता है ना, ऐसा होता है कि कई महात्मा प्रश्न पूछते हैं ना वो आप्तवाणी में से के दादा वाणी में से, तो मुझे लगता है कि ये पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला कि आप स्वामी जी से पूछेंगे बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप बोले कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो खाली विज्ञान समझ में आता है तो कोई भी चीज पढ़ने की कंपलसरी जरूरत नहीं है, ये हमारा मन वचन काया और हमारी दृष्टि ही खुली किताब है और ये किताब को जितना पढ़ोगे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान खुला करने का सामर्थ्य उसके अंदर है। मगर जो जो व्यक्ति अपना उदय कर्म लेकर आए वो तो करते ही रहेंगे, उसमें वो कंपलसरी नहीं है, उसका उदय कर्म है। क्या है उदय कर्म? जी स्वामी जी, तो उदय कर्म के हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी नहीं कहेंगे आपको पढ़ना चाहिए, ये भी नहीं कहेंगे। उदय कर्म का मतलब आप जो कुछ भी लेकर आए
वो करके ही रहेंगे तो उसमें हमको तकलीफ नहीं है, मगर उसमें से कोई आपको प्रश्न उठता है, प्रश्न खड़ा होता है तो आप मेरे को कर सकते हैं, मैं आपको उत्तर दूंगा। देखो आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों जाते हो? बीमार हो गए। डॉक्टर कभी कहेंगे आप बीमारी कहां से लाए? नहीं, उनका काम क्या है? बीमारी है तो उसका इलाज करना। ऐसे हम ये नहीं कहेंगे आप अप्तवाणी में से प्रश्न लेकर आए, गीता में से लेकर आए, रामायण में से लेकर आए, महाभारत में से लेकर आए, कोई साधु के पास से लेकर आए, संत के पास लेकर आए, कोई बात नहीं, आपका प्रश्न है तो मैं समाधान दूंगा। जी स्वामी जी, मगर ये सब कुछ पढ़ना जरूरी है ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना उदय कर्म है। बराबर है, क्योंकि जब हमने 2008 में ज्ञान लिया ना, तो भी हमने वो सब चरण विधि ये सब कुछ किया ही नहीं है। पहले से ही हमें थोड़ा ऑड ही लगता था, तो इस मगर अभी मैं इतना आपका वो सुन रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, तो उसमें सब लोग कई लोग पूछते रहते हैं ना, आप्तवाणी में ऐसा है, आप्तवाणी में ऐसा है, तो मुझे एक थोड़ा थॉट आया, तो मैंने सोचा कि स्वामी जी से हम थोड़ा क्लैरिफाई कर ले। नहीं, यहाँ तो लोग गीता की भी बात करेंगे, वेदांत की भी बात करें, आगम की भी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, कोई आप्तवाणी की भी बात करते हैं, कोई कबीर जी की बात करते हैं, कोई नरसिंह मेहता की बात करें, कोई श्रीमद रामचंद्र की बात करेंगे, कहीं से भी बात कर रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है? मैं उनके पास से जो कुछ नॉलेज है, जो कुछ पढ़ा हुआ है, उसमें से उसको जो कुछ कंफ्यूजन होता है वो मेरे को प्रश्न करेंगे, मेरा उत्तर कुदरती कानून के ऊपर रहेगा, सनातन सत्य के ऊपर रहेगा, उनका प्रश्न कहां से भी क्यों नहीं लाए। बराबर है, आप समझे, मेरा फोकस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी स्वामी जी, स्वामी जी एक दूसरा है कि संस्कार हमारे में कुछ पिक्चर में नहीं आता है, हम मन वाचा कर्मणा की बात करते हैं, मगर संस्कार जो एक्चुअली वो भी होता है ना? नहीं, संस्कार मतलब उसमें ही आ गया। संस्कार आपकी भाषा में क्या है, सिंपल डेफिनेशन बताओ, एक या दो सेंटेंस। संस्कार मीन्स समझो कि मुझे मैंने चोरी करना शुरू किया, तो आज मैंने छोटी चोरी की, बाद में बड़ी चोरी की, तो मेरा चोरी का संस्कार बन गया। मैंने झूठ बोलना शुरू किया, तो आज छोटा सा झूठ बोला, बाद में थोड़ा बड़ा बोला, तो झूठ का संस्कार बन गया। तो ऐसे ऐसे कहते हैं कि जैसा संस्कार ऐसा आपका दूसरा जन्म वहां आपको मिलेगा, तो यहाँ संस्कार की कुछ बात नहीं हो रही है। देखो तो पहली बात बताऊ मैं, संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार इसे कहते हैं को जो आदमी की जो बेसिक क्वालिटी होती है, इसको संस्कार कहते हैं। बराबर, सत्य बोलना, परिग्रह कम रखना, हिंसा नहीं करना, ये ऐसा संस्कार होता है, मगर अच्छा। उसका मतलब ये नहीं है कि संस्कार के मुताबिक ही उनका जीवन होगा, ये मानने की जरूरत नहीं है। बराबर, मगर संस्कार होने से फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये संस्कार आपके डेवलपमेंट से आता है, और इसीलिए आपको कुल भी ऊंचा मिलता है, और इसीलिए आपकी दृष्टि भी उस प्रकार से बड़ी होती है, डीप होती है, शार्प होती है, और आपके जीवन में जो पाप पुण्य के कर्म लेकर आए हैं उस समय पुरुषार्थ में ये संस्कार आपको डेवलपमेंट के फॉर्म में काम लगता है। जी स्वामी जी, आप समझे, डेवलपमेंट के फॉर्म में। अगर कोई जैन भाई है कि कोई जीव की हिंसा कर देगा उदय कर्म के आधीन, फिर उसको लगेगा नहीं ये हिंसा करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि उसका संस्कार है। संस्कार, अभी आप समझ गए। यस यस, तो संस्कार तो काम लगेगा ना उसको पुरुषार्थ। हाँ, काम लगेगा। अगर किसी के पास से उधार पैसा ले लिया है, शायद वो नहीं दे सकता है, तो उसको लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, भले मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का पैसा ऐसा लिया हुआ वापस नहीं देना, वो कम से कम अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनकी मालिकी है, तो उनको उनको खेद होता है, क्योंकि उनका संस्कार है। अगर संस्कार नहीं है तो क्या कहेगा, भी नहीं है तो नहीं देता हूं, उसके क्या मतलब है, मैंने लिया है मगर नहीं है तो क्या करूंगा। तो संस्कार नहीं है तो उनको फील नहीं होता है कि दिस इज राइट और रॉन्ग। राइट, तो संस्कार जो होता है ना, उसी से आपको क्या मिलता है, आपको गोत्र मिलता है। गोत्र समझते हैं, नाम और गोत्र।
हाँ गोत्र, यस। तो गोत्र कैसे मिलता है? संस्कार के आधार से गोत्र मिलता है। अच्छा हाँ, वो पिछले अवतार का आप लेकर आए अच्छा संस्कार होते तो गोत्र आपका अच्छा मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं कि आपको गोत्र अच्छा मिला तो आपका उदय कर्म भी अच्छा होगा, वो जरूरी नहीं है। राइट। मगर आपके संस्कार अच्छे थे मगर कर्म तो अप्स एंड डाउन्स है, तो वो तो रहेगा। अच्छे संस्कार वाले, अच्छे कुटुंब में पैदा होने वाले व्यक्ति भी गलत काम कर सकता है मगर वो संस्कार नहीं जाएगा। जी स्वामी जी। उदय कर्म के अधीन चोरी भी करेगा, मारा मारी भी करेगा, बैड वर्ड्स भी यूज करेगा, मगर वो संस्कार है ना, इसको अवेयर करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्कार तो है ना उसका। बराबर। तो संजोग तो उदय कर्म है, और जिसके पास संस्कार नहीं है ऐसे गलत काम करके भी क्या कहेंगे, नहीं मैं क्या करूंगा, मैंने तो प्रयास किया है। तो उनको जो एक संस्कार नहीं होने की वजह से जो उनको एक फीलिंग होती है कि ऐसा गलत किया, वो नहीं होती है उनको। अच्छा। तो इसीलिए संस्कार वो आपके डेवलपमेंट में और आध्यात्मिक विकास में और पुरुषार्थ में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। पहले जमाने में जब लोग शादी करवाते थे तो सबसे पहले संस्कार ही देखते थे, संपत्ति नहीं देखते थे, संस्कार क्वालिटी वो पहले देखते थे। बराबर। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। तभी तो उस समय भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हुए भी लग्न जीवन लंबा चलता था और एक दूसरा एडजस्ट होके वो जीते थे सुख दुख में भी, क्योंकि संस्कार थे ना। आज वो संस्कार गिर गए। अच्छा। और इसीलिए कम लोग एडजस्ट होते हैं जीवन में, टकराव टकराव वो कॉमन बात हो गई। एनीवे, ओके ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ, अभी कविराज का एक पद रख दो। का आयुष्य है तो पुरुषार्थ तो नहीं रहेगा, उनकी स्थिति सहज रहेगी और सहज का उनको फल भी मिलेगा, मगर लास्ट बर्थ में तो पुरुषार्थ करने वाला भी नहीं रहेगा, तो फिर सहज असहज का सवाल ही नहीं है। टोटल सेपरेशन, बराबर, टोटली सेपरेशन ही होगा। अपने आप रहेगा, प्रकृति प्रकृति के स्वभाव में, परमात्मा परमात्मा के स्वभाव में, और बीच वाला प्रतिष्ठित आत्मा तो है ही नहीं। गोपाल भाई पटेल। अनम्यूट अनम्यूट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न ये था, अहंकार के बारे में मेरे को जानना था जी। दादाजी बोलते हैं अहंकार के बारे में जो विफला अहंकार होता है वो बहुत प्रगति कर सकता है। फिर ऐसा भी सुना है कि अहंकार जिसका जितना भारी होता है उसको भूख भी होती है ज्यादा और बढ़तरा भी ज्यादा होती है। तो जरा मेरे को ये समझा ना, ये अहंकार के बारे में क्या है? पहले अहंकार का मतलब होता है अस्तित्व का भान, मैं हूं। हाँ बराबर। इसका जिसको भान है इसको अहंकार बोला जाता है। फिर वो इंद्रिय ज्ञान वाला अहंकार होता है, उनकी स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। फिर इंद्रिय स्ट्रेंथ के बाद जब बुद्धि मिलती है तो अहंकार और बढ़ता है। उनको सोचने की क्षमता बहुत विशाल हो जाती है। इसके बाद जब अहंकार सम्यक होता है, क्या होता है? सम्यक होता है, तो भी अहंकार का बढ़ना तो चालू है। फिर भी अहंकार तो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, मगर साथ में डेवलपमेंट भी बढ़ता रहेगा। बराबर। जब तक अहंकार सम्यक नहीं होता है वहां तक उनका जो अहंकार है वो स्ट्रांग तो होता है मगर वो मिथ्या एंगल वाला स्ट्रांग होता है। क्या होता है? मिथ्या एंगल वाला स्ट्रांग होता है। जब सम्यक होता है तो वो मुक्ति की ओर सोचता है, मुक्ति के लिए सोचता है, मन वचन काया से मुक्त रहने का सोचता है,
मन वचन काया को कुदरती रचना के रूप में देखना सोचता है और कर्ता भाव माली की भाव खत्म करने वाला अहंकार होता है, भीख और भय समाप्त करने वाला अहंकार होता है, और अपने खुद के परमात्मा की खोज करना अनुभव करना ये लक्ष्य वाला इसको अहंकार होता है। अभी विनाशी चीजों को प्राप्त करना ये उसका अहंकार नहीं है, सही बात है, सही बात है। मगर ये भी अहंकार है, वो भी डेवलप होता होता आगे बढ़ता है। मगर ये जो प्रक्रिया है अहंकार की डेवलप होने की, उसमें जितना हाई लेवल का अहंकार है उतना ही आप अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के कर्म को चार्ज कर सकते हैं। मिथ्या भी है तो भी कर सकते हैं, सम्यक है तो भी कर सकते हैं। अच्छा, बराबर है, सही बात है, सही बात है। अहंकार है वहां तक आप कर्म चार्ज कर सकते हैं। अगर यही अहंकार का हमने सही उपयोग किया तो फिर हम अच्छे लेवल का पुण्य भी चार्ज कर सकते हैं। यही अहंकार का हमने गलत उपयोग किया तो नरक गति तक भी जा सकते हैं, और यही अहंकार का हमने संपूर्ण सम्यक उपयोग किया यानी प्रकृति और परमात्मा को अलग करने का उपयोग रखा तो मुक्ति की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तीनों हो सकता है। ऑल द थ्री पॉइंट बराबर इज पॉसिबल, बराबर आप समझे ना, तीनों एक्सट्रीम हो जाता है, नेगेटिव भी एक्सट्रीम हो जाता है, पॉजिटिव भी एक्सट्रीम हो जाता है, और मुक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। मगर आपका डेवलपमेंट है इसीलिए, बराबर सही बात। मगर क्यों ऐसा हो सकता है, तीन ऑप्शन क्यों है, क्योंकि अहंकार के साथ अभी अज्ञानता संपूर्ण निकली नहीं है, नहीं, किसी नहीं। अगर अज्ञानता निकल गई, अज्ञानता निकल गई तो अच्छा बुरा का सब्जेक्ट खत्म हो गया, बराबर सही, बराबर। हाँ, मगर ये जो डिस्चार्ज अहंकार जो होता है उसके बारे में बताया गया है कि किसके बारे में बताया गया है, विपरीत जो अहंकार है, जो भारे अहंकार जो बोला जाता है, जो बढ़तरा कराता है, ये किसके बारे में? नहीं, दोनों हो सकता है, चार्ज डिस्चार्ज भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। डिस्चार्ज अहंकार का जो सफरिंग है वो एक्चुअली मैकेनिकल होता है, हाँ, क्योंकि वो डिस्चार्ज है। मगर डिस्चार्ज अहंकार का सफरिंग अगर हमको अच्छा लगता है वास्तव में, तो अगर लाइव अहंकार नहीं जुड़ता है तो वो तो बराबर अनइफेक्टिव होता है, अनइफेक्टिव, सही बात है। अगर लाइव जुड़ गया तो डिस्चार्ज वाले को तो होता ही और होगा ही, मगर चार्ज वाले को अगर अलग रहा तो नहीं होगा, मगर जुड़ गया तो उनको भी हो सकता है। सही बात है, सही बात है। तो फिर चार्ज में भी, चार्ज भी हो सकता है, हाँ बराबर। मगर क्या होता है कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं, ऐसे करके हम जुदा थोड़ा रख सकते हैं, मगर बढ़तरा तो होती ही है, वो ये मैंने क्या कहा, बढ़तरा होना वो गलत बात नहीं है। देखो एक सिंपल बात समझो, आपको जब मिठाई खाते हुए आपको मिठास का अनुभव होता है तो कड़वास खाने से कड़वास का अनुभव नहीं होगा शरीर को? होगा होगा होगा, सही बात। ऐसे ही शरीर को जब सुख का अनुभव होता है तो दुख का अनुभव शरीर को नहीं होगा? होगा होगा, साता साता का दोनों को, हाँ। मगर ये अनुभव प्रतिष्ठित आत्मा को होता है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को, ये उनके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है, ये प्रकृति के अनुभव के ऊपर आधारित नहीं है। अगर अपने 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 जो डेवलपमेंट में ये बाधा डाल सकता है ना, ऐसा है, होता है, डाल सकता है। अगर वो अहंकार गलत रास्ते पर काम करेंगे तो आपके आपकी प्रगति में वो रुकावट डाल सकता है, जरूर, क्यों नहीं। अच्छा स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जसवंती बेन यूएसए, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। मने लास्ट सत्संग मा ने आजना सत्संग मा तमारु पिक्चर कर स्क्रीन पर आवतु नथी, एटले पूछवा माटे जा सवाल कर्यो छे। हा पण ये टेक्निकल प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में, यहां तो सबको दिखता है और मैं सबको देख सकता हूं।
अच्छा तो आ बे सत्संग थी मने देखाता नहीं आप तमे એટલે મે કીધું ખબર नहीं उसमें क्या होता है जब आप कनेक्ट होते हैं ना तो उसमें उसमें ऑप्शन आता है वीडियो कनेक्टेड विथ वीडियो और नॉट अगर आप उसमें यस नहीं करोगे तो वीडियो के बिना आपका आएगा अच्छा अच्छा ओके 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 उसमें आपको ऑप्शन आएगा कनेक्टेड विथ वीडियो तो फिर वीडियो आएगा आप कनेक्टेड विथ वीडियो में यस नहीं करोगे तो विदाउट वीडियो आएगा वो ब्लैंक दिखेगा ओके आज સુધી આવતું તું બે સત્સંગ થી છેલ્લા નથી આવતું એટલે મને પ્રવૃત્તિ ખાસ ખબર નહી શું પ્રોબ્લેમ ખાલી ઓડિયો સકતા હે ઓ સકતા હે કે ઓપ્શન મે કોઈ મતલબ પ્રોબ્લેમ હુઆ આપ ચેક કર લેના કોઈ વાત નહી નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ ટાઈમ સે આયેગા હ ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ વિનોદ ભાઈ યુએસએ જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી જય સચ્ચિદાનંદ એક આપકા एक सूत्र आया था व्हाट्सएप में नंबर 156 मैं पढ़ रहा हूँ इसको आध्यात्मनी भाषा में चेतन थईने अवस्था ने जुए एने भोगव्यू कहवाय प्रकृति में भलीने प्रकृति ने भोगवे एने भोगव्यू ना कहवाय भोगवाई गयो एम कहवाय इसको जरा डिटेल में समझाइए उसका मेरा कहने का मतलब ये है कि सफरिंग किसको कहेंगे सफरिंग का मतलब होता है प्रकृति को जो भुगतान आती है इसको मैं देखना और जानने वाला हूं तो वो सफरिंग डिस्चार्ज हो गया मगर मैंने खुद ही सफरिंग को फील किया मतलब अज्ञानता के वश में मन वचन काया से अटैच हो गया तो मैं खुद अपने आप को भुगतान के रूप में आ गया आप समझे मैंने खुद ने भुगतान किया खुद का मतलब होता है आई एम टॉकिंग अबाउट द ईगो नॉट बॉडी अहंकार जब भुगतान करता है तो आपने खुद ने भुगतान कर लिया तो फिर आपके कर्म बनेंगे राग के या तो द्वेष के और जब प्रकृति ने भुगतान किया आप ऑब्जर्वर रहे तो फिर वो डिस्चार्ज हो गया चार्ज नहीं होगा यही आपका मुक्तता की बात है यही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की बात है क्योंकि आप अलग रहे प्रकृति तो भुगतान करेंगे वो तो कंपलसरी है मगर आप उसमें नहीं जुड़ गए यही तो साइंस है अगर प्रकृति भी भुगतान करेगी हम भी भुगतान करेंगे यही तो अज्ञानता है लेकिन प्रकृति में तो मुझे ऐसा लगता है कि भुगतान की कोई बात है ही नहीं शरीर को कुछ हुआ मन में कोई विचार आया तो इसमें तो भुगतान तो तभी मेरी समझ में कहा जाएगा कि जब ऐसा होगा कि भाई ये मुझे हुआ भुगतान तो उसी को कहेंगे नहीं नहीं बताओ मैं आपको पहली बात ये है कि हम जब विज्ञान को समझते हैं तो सिद्धांत को बार बार भूल जाते हैं मतलब पूरे फॉर्म में भूल जाते हैं हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमने जो चार्ज किया था अंतस्करण वो डिस्चार्ज में आता है जी और अगर वो सफरिंग नहीं करेगा तो सफरिंग किसको कहेंगे नहीं लेकिन वो डिस्चार्ज वाला जो पार्ट है खाली कोई विचार आया उसमें तो सफरिंग है ही नहीं कोई सफरिंग तो तभी है कि जब मुझे ये विचार आया तब वो सफरिंग होती है मुझे नहीं नहीं नहीं, नहीं बताओ मैं आपको यही कहते हैं ना सफरिंग वो कंपल्सरी पार्ट है ऑप्शन नहीं है मगर सफरिंग किसको होता है वो विजन इंपॉर्टेंट है सफरिंग इज कंपल्सरी रामकृष्ण माहिर को भी सफरिंग आया था मगर सफरिंग किसको आया था बॉडी को या मेरे को ये इंपॉर्टेंट बात है सफरिंग नहीं आएगा वो तो प्रश्न नहीं जब कॉज आएगा तो इफेक्ट आएगी और इफेक्ट की भुगतान करने वाला अगर नहीं है तो इफेक्ट किसको कहेंगे तो ये मेरा प्रश्न इसीलिए मैंने प्रश्न आपसे किया था कि आपने जो पहले बेसिकली जो सफरिंग है वो तो शाता अशाता दो ही है या तो शाता है या अशाता है बराबर है तो शाता और अशाता जब आएंगी तो वो उदय कर्म के हिसाब से आएंगी राइट बराबर है 100% जब शाता और अशाता आएगी तो उसके साथ ही उसको भुगतान करने वाला अहंकार भी खड़ा साथ साथ ही होगा डिस्चार्ज होगा ना चार्ज किया तभी तो डिस्चार्ज आया तो इसका मतलब जो शाता और अशाता जो आती है हमारी वो पहले की सुख और दुख की मान्यता के हिसाब से आती है
That's it. Right? Correct. You are right. पहले की जो सुख और दुख की मान्यता जैसी हमने भरी है उसके हिसाब से वो शाता अशाता खड़ी होती है और शाता अशाता खड़ी होने के साथ ही उसको भुगतने वाला अहंकार भी खड़ा होता है. करेक्ट. राइट. तो लेकिन वो जब भुगतान करने वाला अहंकार खड़ा हुआ तो उसको मैं नॉर्मली उससे मैं अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाता हूँ. तो ये समझना कि भाई वो शाता अशाता आई वो पहले की बिलीफ के हिसाब से आई, जो सुख दुख जो अभी जो एहसास हो रहा है वो रियल सुख दुख नहीं है, वो पहले की मान्यता के हिसाब से एक आभासित सुख दुख खड़ा हो रहा है और उसको भुगतने वाला अहंकार भी खड़ा हो रहा है और हाँ, मैं उससे सेपरेट मैं शुद्धात्मा हूँ. हाँ तो बताओ मैं आपको, ये जब चार्ज के अंदर जब चार्ज अंतस्करण होता है उसमें मन बुद्धि चित अहंकार होता है और यही मन बुद्धि चित अहंकार ने जो चार्ज किया है उसके भुगतान के लिए यही अंतस्करण डिस्चार्ज के फॉर्म में रहेगा. उसमें भी मन बुद्धि चित अहंकार रहेगा मगर वो डिस्चार्ज रहेगा. उन्होंने तो चार्ज किया है वही डिस्चार्ज करेगा, तभी तो कहेंगे ना भुगतान किया. मेरे को महल चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मैंने भावना किया था, मेरे पुण्य से कुदरत ने मेरे को दिया, तो भुगतान करने वाला तो चाहिए कि नहीं चाहिए. जब मांगने वाला था तो मिला तो भुगतान कौन करेगा. तो भुगतान करने वाला अहंकार भी है और प्रकृति भी है. मगर जो अभी जो लाइव अहंकार है वो उसके अंदर जो ज्ञान दर्शन है उसके मुताबिक आपका पुरुषार्थ का लेवल माना जाता है. इसको रिपीट कीजिए. अभी आपका जो लाइव अहंकार है उसके साथ जुड़ा हुआ जो ज्ञान दर्शन है उसके मुताबिक आपका पुरुषार्थ माना जाता है. आपके अभी के लाइव अहंकार में आपका ज्ञान दर्शन क्या है, मैं शुद्धात्मा हूं और मर वचन काय की अवस्था मात्र कुदरती रचना है. तो फिर आपका जो ये अहंकार है उसमें ज्ञान भी शुद्ध है, दर्शन भी शुद्ध है, इसीलिए जो भी पुरुषार्थ का फल मिलेगा वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक मिलेगा. और प्रकृति को तो भुगतान करना है, वो तो करके ही रहेगा क्योंकि वो तो कुदरती रचना है, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा. मगर वो लाइव अहंकार जुड़ गया डिस्चार्ज में तो फिर नया चार्ज होगा. तो ये जो फाइनल बॉडी जो होती है, महावीर भगवान की फाइनल बॉडी थी, रामचंद्र जी की फाइनल बॉडी थी, जो भी हाँ, उनको जब जी हाँ बोलिए बोलिए प्लीज. तो उनमें जो शाता अशाता खड़ी होती है तो उसको भुगतने वाला फिर अहंकार तो उनके अंदर तो होता नहीं है, तो उनको भी फिर वो भुगतने वाला अहंकार खड़ा होता है साथ में, ये क्या डिस्चार्ज तो होगा ना. अच्छा तो वो अच्छा, क्योंकि पहले जो बात हो रही थी कि भी जो है जो फाइनल बॉडी होती है उसके अंदर खाली शुद्धात्मा का स्पष्ट वेदन होता है और प्रकृति होती है, तो प्रकृति जो मेरा मानना मन वचन काया है, लेकिन मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ डिस्चार्ज अहंकार भी है. देखो बताऊं मैं आपको, डिस्चार्ज का मतलब होता है मन माइंड स्पीच एंड एक्शन, और माइंड के अंदर मन बुद्धि चित अहंकार आ गया, तो ये डिस्चार्ज तो हमारा जैसा है ऐसा ही राम का होगा, कृष्ण का होगा, महावीर का होगा, सबका होगा. डिस्चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि डिस्चार्ज पार्ट इज टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर. तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द योर डिफरेंस एंड रामचंद्र जी डिस्चार्ज. ओके, डिफरेंट क्या रहेगा, उनकी ज्ञान दर्शन की दशा में, क्योंकि वो डिस्चार्ज से 100% मुक्त रहते हैं क्योंकि उसका अज्ञान खत्म हो चुका है. आप समझे ना जी. तो जो डिस्चार्ज वाला जो भाग है उसमें मन वचन काया बताया, तो डिस्चार्ज अहंकार भी उस डिस्चार्ज का ही पार्ट है. डिस्चार्ज अहंकार उनका भी रहेगा. हाँ, मन बुद्धि चित अहंकार ये चारों का एक नाम है, इसको अंतस्करण बोलते हैं और आध्यात्मिक भाषा में उसको शॉर्ट में मन भी कहा है. मन का चार फेसेस है, उसमें मन भी बताया गया है, मगर मन बुद्धि चित अहंकार चारों उसमें आ गए इंक्लूड. ओके, मगर डिस्चार्ज वाले भाग के अंदर डिस्चार्ज होता है, मतलब ऑटोमोव होता है, उसमें चॉइस नहीं होती है प्लस माइनस करने की. अच्छा, मेरी ऐसी मान्यता थी जो कि जैसे बता रहे गलत थी कि फाइनल बॉडी में बीच में से डिस्चार्ज अहंकार भी निकल जाता है, खाली शुद्धात्मा और विचार, वाणी और एक्शन, उधर तीन और इधर, लेकिन वो अहंकार उसको भुगतने वाला डिस्चार्ज अहंकार भी है उसके अंदर. हाँ,
राइट okay. मन के अंदर चारों चीज आ गई उसके अंदर ओके इंक्लूड मैंने पहले भी कहा है कि मन हम जब मन वचन काया बोलते हैं तो वचन और काया है वो तो बाह्य करण है और मन बोलेंगे तो अंतस्करण है और मन के अंदर चारों चीज इंक्लूड है डिस्चार्ज में सबका राम का भी यही अंतस्करण रहेगा हमारे जैसा कृष्ण का भी यही रहेगा महावीर का भी यही रहेगा जो चार्ज किया है वही डिस्चार्ज होगा और वो कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है इट इज अ टोटली ऑटोमोर सिस्टम तो जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स वो सब उनकी भी होती हैं क्यों नहीं होगी नहीं तो रावण के साथ वॉर कैसे करेंगे अगर नहीं होता तो ओके मगर वो डिस्चार्ज के रूप में होता है जी 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 समझ में आया एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ मैंने सत्संग में बहुत बार कहा है शायद आपके समझने के लिए या सबको सभी पार्टिसिपेंट को समझने के लिए कि पांच महाव्रत जो आपने सुना होगा शायद नाम जी पंच महाव्रत सत्य अहिंसा अचौर्य ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह इसको महाव्रत बोलते हैं जैन परिभाषा में अन्य धर्म में भी और प्रकार के महाव्रत है हम इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते तो ये महाव्रत जो है वो रिलेटिव सत्य है सनातन सत्य नहीं है क्या बताया महाव्रत रिलेटिव सत्य है सनातन सत्य नहीं है हाँ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा लास्ट बर्थ होगा तो तुम्हारे अंदर पांच महाव्रत प्रकृति में होगा ही ये जरूरी नहीं है आप समझे नहीं समझे अभी अच्छा इसका एग्जाम्पल देखिए बताइए कि कहां पर महाव्रत नहीं थे बताओ सत्य बोलना चोरी नहीं करना हिंसा नहीं करना परिग्रह नहीं बढ़ाना और ब्रह्मचर्य का पालन करना ये पांच महाव्रत जैन परिभाषा में बताया गया है ये प्रकृति के साथ जुड़ा है या परमात्मा के साथ प्रकृति के साथ तो प्रकृति का कंट्रोलर कौन है नहीं प्रकृति का कंट्रोलर तो व्यवस्थित है लेकिन मेरा इसमें ऐसा मानना था कि भी जब आपको पहले जन्म में केवल दर्शन हुआ तो आपकी सब भूल मान्यताएं सब खत्म हो गई तो जब भूल मान्यताएं खत्म हो गई तो जिस वजह से मैं झूठ बोलता हूँ जिस वजह से मैं चोरी करता हूँ जिस वजह से मैं अब्रह्मचर्य करता हूँ तो वो सब बिलीफ मेरी मान्यता वो जो उसके पीछे जो सुख की मान्यता थी वो सब मेरी मान्यता खत्म हो गई तो फाइनल बॉडी के अंदर एज ए रिजल्ट ऑटोमेटिकली वो पांच महाव्रत मेरी प्रकृति के अंदर ऑटोमेटिकली आएंगे जो तो भी राम ने शादी किया युद्ध किया बच्चा हुआ महल था सब कुछ था उनके पास क्यों लास्ट बर्थ की बात करता हूँ वो मुझे समझ नहीं आती है वो तो ये इसीलिए तो बोलते कि ये सिद्धांत नहीं है सिद्धांत सबके लिए एक होते हैं ना आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल टू एनी लिविंग बीइंग क्रिएचर नहीं लेकिन जो मैंने आपको जो बात बोली कि भी जो है जब केवल दर्शन हुआ तो आपकी सुख की सब गलत मान्यताएं खत्म हो जानी चाहिए उस समय अगर खत्म हो गई अज्ञान भी निकल गया तो फिर उसमें 100% यू आर राइट तो फिर जब वो सुख की मान्यता जब रिलेटिव चीज में रही ही नहीं तो अगले जन्म में कैसे मगर आप ये भूल गए ना कि अज्ञान निकल गया वो एंड है मगर अज्ञान को निकालने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के समय जो जो कर्म चार्ज किया है वो तो फिर रिजल्ट में आएगा ही लास्ट बर्थ में भी तो वो रिजल्ट जो है वो केवल दर्शन के पहले का जो चार्जिंग है उसका दैट्स इट यू आर राइट तो ये बात समझनी है ओके तो लेकिन जब वो रिजल्ट में आता है तो उस समय भी उनकी उसमें शाता अशाता होती है विषय के अंदर या कोई भी और वो मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं मैकेनिकल लाइव नहीं होते मैकेनिकल होती है ओके भुगतान होगी मगर वो मैकेनिकल ऑटोमोड होगी सब कोई अटैचमेंट नहीं बाह्य कण सब ऑटोमोड होगा सब तो कुछ अटैचमेंट मतलब नो अटैचमेंट नहीं कोई कंसर्न ही नहीं नो कनेक्शन एट ऑल नो कनेक्शन इन लास्ट बर्थ ओके नो कनेक्शन एट ऑल बॉडी लाखों लोगों की हिंसा भी कर सकती है लास्ट बर्थ में फिर भी उसका केवल ज्ञान में रुकावट नहीं आएगी तो पांच महाव्रत की जो बात कही है
ये फिर भगवान ने किस लिए कही है? ये इसलिए कि भी जिसको विज्ञान की समझ नहीं है उसके लिए? ये धर्म का पाया है, धर्म का पाया है, मानव समाज का पाया है, संस्कृति का पाया है, समाज का पाया है, धर्म का पाया है। और पहले आप इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, पहले मानव बनो अच्छा, फिर महामानव बनो। महामानव का मतलब होता है आत्मा का अनुभव। पहले इंसान तो बनो कम से कम। तो जिसको धोरी मार्ग बोलते हैं, नेशनल हाईवे में यही रहेगा, पहले आप अच्छा इंसान बनो और फिर परमात्मा का अनुभव करो। यही एक प्रक्रिया होती है, तभी तो हमारा समाज जीवित रहता है। तो ये सोशल टॉक है, क्या है? सामाजिक और धार्मिक बातें, आध्यात्म की नहीं है। ये जो आपके सूत्र की मैंने पहले बात की थी, वो मुझे इसलिए मैंने की मेनली कि इसमें जो लास्ट का जो पार्ट है, प्रकृति मा भली ने प्रकृति ने भोगे इने भोगव्य ना कहवाए, भोगवाई गयो एम कहवाए। तो इसको जब मैंने थोड़ा सा सोचा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ कि जो मैं मानता हूँ कि भी मैं ये सुख भोग रहा हूँ, दुख भोग रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सुख और दुख मुझे भोग रहे हैं, मुझे मतलब आपको किसी ने आपकी पिताजी की संपत्ति आपको मिल गई कि मकान पूरा आपका है, 2 करोड़ का मकान आपको मिल गया पिताजी की संपत्ति, और फिर आपको फिर बहुत यानी आपका क्या कहते हैं, देवा को क्या बोलते हैं, डेट, अगर आपका नहीं या डेट यानी आपका कर्ज बढ़ गया तो आपको वो मकान को दे देना पड़ता है, तो आपको लगेगा कि मेरा मकान चला गया, ठीक है जी। तो जब ज्ञानी होते हैं तो उसको लगता है आया वो भी कुदरती रचना है, गया वो भी कुदरती रचना है, पहले भी ओनरशिप नहीं थी, अभी भी ओनरशिप नहीं है। हम तो उदय कर्म को उदय कर्म के रूप में ही देखते हैं और उदय कर्म को कुदरती रचना के रूप में ही देखते हैं। आया वो भी कुदरती रचना, गया वो भी कुदरती रचना, क्योंकि है ही कुदरत का। नहीं वो है, लेकिन उसके अलावा मतलब जो मैं जैसे उसको समझ रहा था कि भी कोई सुख दुख आया तो मैं समझता हूँ कि भी मैं सुख को भोगने वाला हूँ, लेकिन है क्या कि वो सुख और दुख जो है वो मेरा जो अनंत सुख है, मेरा जो अस्तित्व है, जो रियल अस्तित्व है, उस वो रियल अस्तित्व है, लेकिन पहले की भूल मान्यता के अंदर वो सुख दुख खड़ा होता है और वो मेरेपन को मेरे अंदर से ले जाके उस सुख दुख को भुगवाता है। तो वो वही तो बात है। जब आपके पास अज्ञान मिटा नहीं है उस समय प्रकृति आपको भुगतान करती है, क्योंकि तभी तो अहंकार को राग द्वेष होता है। अगर वो भुगतान नहीं करेगी, सिर्फ प्रकृति भुगतान करेगी, तो अहंकार को राग द्वेष होने की क्या जरूरत है भाई? मगर क्यों होता है? क्योंकि खुद वो भुगतान करता है, यानी अपने अनंत सुख को छोड़ के विनाशी सुख में अटैच होके राग द्वेष करता है, यानी वो खुद अपने आप को वो भुगत गया, आप समझे कि नहीं? और फिर जन्म मरण के चक्कर में उसको जाना ही पड़ेगा। राइट, सुनने की बात। तो उस सेंस से ये सेंटेंस है। जी जी, एक क्वेश्चन और है, पूछ सकता हूँ? या प्लीज। एक ये स्टोरी सुनने में आती है, मुझे जैन दर्शन का और माइथोलॉजी का ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका मैं जिस्ट आपको बताता हूँ कि कोई किसी ने दीक्षा ली थी और मुझे नाम वाम वो ध्यान नहीं है, तो दीक्षा लेके उनको जब दीक्षा ली तो उनको काफी दिक्कत आई और उनको ऐसा विचार आया कि भी मैं दीक्षा ये मुझे नहीं करना है, और तो जाके उन्होंने उनसे बात की कि भी जो उन्होंने दीक्षा दी थी कि भी मुझे दीक्षा छोड़नी है, तो उन्होंने उनको बताया कि भी जो है आपका जो पिछला जन्म था उसके अंदर आपका हाथी का जन्म था और ऐसे जंगल में आग लग गई थी, और जंगल में आग लगी तो आपने किसी खरगोश को बचाने के लिए अपना पैर ऊपर उठाया और उसको ऊपर ही रखा था कि वो मर ना जाए, और उस वो जो आपने कर्म बांधा उसकी वजह से आपको इतना इस वैभव, राजा का वैभव प्राप्त हुआ, क्योंकि दीक्षा लेने से पहले वो राजा थे या राजकुमार थे, कुछ ऐसा कुछ था। तो मेरा प्रश्न ये है कि भी जो है हम बोलते हैं कि भी जो है जानवर के जन्म में कर्म नहीं बांधते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसी बात की कि भी जो है हाथी के जन्म में आपने ऐसा कर्म बांधा, तो ये कैसे, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। वो जिसने बताया उनको पूछना चाहिए ना, मैंने कभी नहीं बताया है। अच्छा, ऐसी स्टोरी ऐसी है, मतलब ऐसे नहीं पढ़ी है? मैंने क्या कहा, जो स्टोरी है जो भी किताब में लिखी है
मगर जब कोई व्यक्ति उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उनको पूछो सीधा, कभी आप क्यों करते हो? मैं तो कभी अपने सत्संग में कभी नहीं कहता हूँ कि कोई एनिमल ने कर्मचार किया, ऐसा कभी मैंने नहीं कहा है। जी जी नहीं, ये मैंने स्टोरी पहले सुनी थी, लेकिन प्रश्न मुझे बाद में खड़ा हुआ है, 2-3 हफ्ते पहले मुझे प्रश्न खड़ा हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने पहले उस स्टोरी को सच ही मान लिया था, लेकिन विज्ञान के हिसाब से तो ये सच नहीं लगती है कि भी जो ऐसा। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो रिलेटिव सत्य में अपने अपने एंगल से लोग बात बताते हैं, क्योंकि उनके पास जब सनातन सत्य नहीं मालूम होता है तो व्यवहार सत्य में लोगों की अच्छाइयों के लिए कैसे भी वो पुण्य चार्ज करें उसके मुताबिक वो स्टोरी को ढाल देते हैं, उसमें विज्ञान की बात नहीं आती है। जी जी ठीक है, प्रिंसिपल नहीं होते, रिलेटिव सत्य होता है, सनातन सत्य नहीं होता है उसके अंदर। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। કમલેશ ભાઈ શાહ અત્યારે કોઈ યસ પણ હતો, એમનો હાથ ઊંચો છે, કમલેશ ભાઈ, દિલીપભાઈ એમનો હાથ ઊંચો છે, બીજાને બોલાવો, એટલે બીજાને કહ્યું છે, સંજીવભાઈ છે, સંજીવભાઈ કમલેશભાઈ તમને બોલાવ્યા હતા પણ તમે હવે સંજીવભાઈ પછી તમારો ટર્ન છે। संजय भाई आवाज नहीं आवतो, अनम्यूट करो संजय भाई, समझे अनम्यूट छे तो पण एनो आटलो आवाज आवे छे। ना ना अत्यारे अत्यारे म्यूट छे, अनम्यूट करो जो एम कहो छो। हाँ, एटले मेरे ख्याल से उनको उनको इंटरनेट में प्रॉब्लम है। ओके ओके, तो कमलेश भाई ले लो, तो उनको उनको जरा स्टॉप कर दो अभी, कमलेश भाई को। हाँ, हाँ। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा प्रश्न आगे आपने जो बात किया शुरुआत में और पीछे भी बात हुआ आपका वो साजिकता के लिए, और दूसरा एक अपना एक महात्मा ने शुरुआत में बात किया वो गुणठाना के लिए, तो स्वामी जी खाली वो साजिकता के लिए मुझे खाली एक ही क्वेश्चन है शॉर्ट में कि स्वामी जी आपने साजिकता बोले हैं तो साजिकता तो अपना वो तो वो प्रतिभा बहन ने बजाय वो तो अपना उदय कर्म के हिसाब से शायद हो सकता है, और दूसरा ये साजिकता जो है स्वामी जी ये एक बहू के लिए है कि अपने अगले बहू के लिए भी है वो, उसका अगर अपनी साजिकता उदय कर्म में हम लोग नहीं लाए हैं तो अगले बहू के लिए भी भावना अपना कर सकते हैं, और स्वामी जी उसका रिलेशन अपरिग्रह का जो अपना जो हम लोग बात कर रहे हैं एक चार महाव्रत में अपरिग्रह के साथ वो अपना जुड़ा हुआ कि नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो लगता है वो साजिकता अपरिग्रह के साथ भी जुड़ा हुआ है, शायद आपने उसका भी कोई जिक्र किया था शायद एक, और वो मेरा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है लेकिन समझ। दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है स्वामी जी कि 8 से 11 गुणठाने की जो बात किया था महात्मा ने कि अपना मोहनीय कर्म 8 से 11 में अपने को क्या पुरुषार्थ करना है, अपना जो मोहनीय कर्म और देहाध्यास उसको अपना उसको नाश करने का अपने को प्रयास करना है, और आपने बताया स्वामी जी कि दोनों रिलेटेड हैं, तो स्वामी जी ये अपना वो मोहनीय कर्म ये देहाध्यास ये सब देहाध्यास से मोहनीय कर्म और देहाध्यास से रिलेटेड है, राइट। तो ये हैंग हो गए। हाँ, एम नु पण वीडियो 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 बंद करी दो कमलेश भाई, केवल एक सरीका होना चाहिए एक पर। कमलेश भाई तमारो वीडियो बंद करना को हैंग થઈ જાય છે, ઓવરલોડ થઈ જાય છે, યા પ્લીઝ પ્લીઝ નાઉ ક્વેશ્ચન બંધ કર દો। આ વિડિયો વિડિયો બંધ કરી નાખો, ઓડિયો ચાલુ રાખો। ઓકે ઓકે हाँ, तो स्वामी जी उसमें स्वामी जी
वीडियो बंद कह रहा हूँ मैं। स्वामी जी, तो उसमें ये सातवां गुण उठाने में जो पहुंचता है उसका ज्ञान दर्शन की लेवल एक सरीखा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से स्वामी जी उतना एक सरीखी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न है स्वामी जी, अपना देहाध्यास जो है वो देहाध्यास अज्ञान का अगले पूरे अगले भवों में जो भी अज्ञान बांधा हुआ है वो भाव अज्ञान जो बांधा उसके हिसाब से जो भी उसके पर आवरण आ गया है, आवरण अपना कसायो ये राग द्वेष या उसका जो भी आया है के सकते ये सब उसको कम होता है बढ़ जाता है वो सब। हाँ, मैं आपको पहले उत्तर देने का शुरू करता हूं अभी, ठीक है? हाँ, कमलेश भाई सुन रहे हैं? हाँ स्वामी जी, सुन रहा हूँ स्वामी जी। सबसे पहली बात आपने जो साहजिक कर्म सुन रहा हूँ स्वामी जी। हाँ हाँ, मैं अभी उत्तर दे रहा हूँ। हाँ स्वामी जी, राइट। सबसे पहले आपका प्रश्न था साहजिक कर्म का। आखिर हम जो दर्शन की बात करते हैं, ज्ञान और दर्शन, उसमें सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, हम सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? मन वचन काया और पांच इंद्रियों से दुखती हुई पूरी दुनिया को जब हम कुदरती रचना के रूप में देखते हैं उसी को हम सम्यक दर्शन कहते हैं। और यही मिथ्या दर्शन या अज्ञानता को मिटाने का साधन मानते हैं। तो ये जो कुदरती रचना को देखना है, ये दृष्टि स्वयं हमको सहज बनाती है, मालिकी भाव कर्ता भाव हमारे में से खत्म कर देती है। और इसीलिए वही मालिकी भाव कर्ता भाव जब खत्म हो जाता है तो लेना देना वो सहज हो जाता है, फिर मालिकी भाव या पजेशन नहीं रहता है, वही रियल साहजिकता है। ओके, हाँ। तो अध्यात्म के मार्ग में जितना सहज होता है व्यक्ति, इसको ये कुदरती कानून समझना उनके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा कि साहजिकता होना हमारी प्रकृति नहीं, हमारी दृष्टि में साहजिकता होना। प्रकृति में उदय कर्म में है वो अच्छी बात है, वो भी आपको हेल्प करेगी अध्यात्म के विकास में, और आपकी दृष्टि में साहजिकता है वो भी आपको हेल्प करेगी, आपको डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। ये विनाशी चीजों के अंदर विनाशी अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में समझने में सहाय करेगी, क्योंकि आप सहज है। और सहज का मतलब ये होता है न मैं कोई चीज का मालिक हूं न मैं कोई चीज का करता हूं। तो ये जो साहजिकता है, बराबर, ये साहजिकता हमारी दृष्टि है, और ये दृष्टि के बाद जो बीज बनते हैं तो प्रकृति में भी साहजिकता आती है। तो इसीलिए ये दृष्टि में जो साहजिकता है वो आध्यात्मिक विकास में हमको सहायक होती है, क्योंकि उससे हम कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। नहीं तो क्या होगा भाई, आज मेरे को कोई बड़ा प्रॉफिट हो गया तो मेरे को आनंद आएगा, प्रतिष्ठित आत्मा भी उसमें जुड़ जाएगा, और अगर कोई भयंकर नुकसान हुआ तो प्रकृति को तो दुख होगा, प्रतिष्ठित आत्मा को भी दुख होगा क्योंकि मेरा चला गया। मगर जब आपने कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास किया तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस की इफेक्ट प्रकृति को जरूर होगी, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को नहीं होगी, क्योंकि वो उसी अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देख रहा है, वो ही उनकी साहजिकता है। बराबर। दूसरी बात, दूसरा आपकी जो बराबर स्वामी जी, दूसरा आपका जो प्रश्न था कि 8 से 11 डेवलपमेंट की बात है, कि सातवें अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, फिर 8 से 11 है जो मोहनीय कर्म की बात जो महात्मा श्री ने कहा था,
तो वो बात बराबर है, मगर वो मोह कौन सा है? वो देहाद्यास का मोह है, वो विनाशी चीजों का मोह नहीं है, देह का मोह है। तो देह से मुक्त रहना, उनकी प्रैक्टिस 8 से 11 में हो जाती है। क्या हो जाती है? 8 से 11 में। हाँ, तो देह का मतलब आप शरीर मत समझो, देह का मतलब होता है स्पीच, थॉट एंड ऑल काइंड ऑफ 5 senses, ये सब देहाध्यास। बरोबर बरोबर समझ, या वही अपना जो अपना जो मिथ्या दर्शन है, दर्शन नियम है, जो भी आता है वो सब पूरा उसमें आ गया। 5 इंद्रियों से जो देखने वाले मन वचन। हाँ, अभी तो 8 से 11 में प्रैक्टिस हो गई, तो जब 12 में चले गए तो आपका देहाध्यास खत्म हो गया, अज्ञान भी खत्म हो गया, और आप कुदरत की एग्जाम में 100% पास हो गए। इसका रिजल्ट क्या आएगा? केवल ज्ञान लास्ट बर्थ में। भाई क्यों केवल ज्ञान आएगा? क्योंकि लास्ट बर्थ में माता के गर्भ में से ही आपको स्पष्ट निवेदन होगा, तो देह और आत्मा दोनों अपने आप अलग रहेगा, होते हुए भी। अभी बराबर है, यस, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू पास द एग्जाम इन अ लॉ ऑफ नेचर, इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर। बराबर, राइट। तो दोनों प्रश्न का उत्तर आ गया। થોડુંક મોડું સંભળાય છે, તમે બોલો છો ને એટલે હજી જવાબ નથી આપ્યો, પણ હવે બીજા ભાઈ છે, એક વેઇટ કરે છે। મે જો અપના વો, હેલો, હા બોલો। હા સ્વામીજી, 8 से 11 જો અપના જો હે ના સ્વામીજી, તો ઉસમેં યે જો ઇસકા દેહાધ્યાસ થોડા બહોત જો રહેતા હે, એસા બહોત મેરે અપના દિસ શ્રીમદ આચંદ કા ભી થોડા બહોત દેહાધ્યાસ રહ ગયા થા, तो देहाध्यास वो रह गया था, उसका रीजन ये है कि स्वामी जी अपना जो भव अगले भव में जो भी इतना अज्ञान से बांधा हुआ जो भी कर्म थे, वो कर्म के हिसाब से अपना वो अपना जिस घाती कर्म या अघाती घाती कर्म के हिसाब से अपना वो नहीं कर रहा है, उसको अपना देहाध्यास रहता है। थोड़ा बहुत इफेक्ट सूक्ष्म लेवल का जो रहता है स्वामी जी, गाती कर्म का ही हिस्सा है, वो भी अज्ञानता का ही भाग है। हाँ, तो मिस का अपना उसका उतना आत्मा प्रदेश जो है, उतना आत्मा प्रदेश में उसका वो अग्नि वो राग द्वेष या कसाई का थोड़ा बहुत पोर्शन वहाँ पे पड़ा हुआ है स्वामी जी, वो पोर्शन उसको अपना वो वहाँ पे उसको देहाध्यास करने में उसको मजबूर करते हैं। बरोबर है वो स्वामी जी, वो समझ बरोबर है। वो श्रीमद राजचंद्र ने कहा कि जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान मा कही सक्या नहीं पणते श्री भगवान जो, तेह परम पद प्राप्ति नु करियु ध्यान में, तो अपन निश्चय राजचंद्र मन ने रहो प्रभु आज्ञाए थासु ते स्वरूप। मैं राजचंद्र हूँ वो दिमाग में से गया नहीं, वही तो दिया दिया से। बराबर, राइट। वो उन्होंने अपने लिए बताया है। नहीं बार नहीं नहीं, मेरा अपने देहाध्यास का उसका रीजन क्या है वो मैं अपना स्वामी सोच रहा था कि वहां तक का भी मान लो अपने दादाजी भी बोल रहे हैं भी अपना देश के उसका अपना 356 358 तो दो डिग्री उसका जो रह गया, तो उसका बेसिकली ये इसके हिसाब से उसका 2% का उसका आत्मा प्रदेश में जो भी पहले थोड़ा बहुत सूक्ष्म लेवल का कसा या सूक्ष्म का राग द्वेष अभी भी उसके आत्मा प्रदेश में थोड़ा पड़ा था, इसलिए वो अपना वो अपना दिस घाती कर्म के हिसाब से वो अपने वहां पे अपना उसको दिया दास रहते थे, ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते थे वो संयोग में घाती कर्म के हिसाब से अपना जब भी वो संयोग आता था वो टाइम पे उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। बराबर ना स्वामी? बराबर बराबर। ओके स्वामी, ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। संजीव भाई, હા હવે
सबसे पहले तो सबसे पहले जो हिंदी में बोल जो सिंची पर प्लीज तुमने बारंबार म्यूट થઈ જાય છે સ્વામીજી हेलो हां बोलिए हिंदी में प्रश्न कीजिए हिंदी में सबसे पहले तो ये पूछना था कि सफरिंग आपकी सफरिंग किसे कहते हैं इतनी बार से जो चर्चा चल रही है उसमें सफरिंग किसको कहते हैं सफरिंग का मतलब होता है भुगतान अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ ठीक है मेरा उत्तर खत्म हो जाएगा बाद में प्रश्न करना ठीक है बिल्कुल 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 सफरिंग इसको कहते हैं भुगतान ये भुगतान दो प्रकार की होती है एक मन वचन काया बुद्धि चित अहंकार जो डिस्चार्ज बोलते हैं वो सफरिंग करते हैं वो कंपलसरी पार्ट है एंड इट इज टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर बराबर सफरिंग है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा उसमें जुड़ जाता है वो अज्ञान सफरिंग है जिससे कर्म चार्ज होता है तो दो प्रकार के सफरिंग कहते हैं एक मैकेनिकल है एक लाइव है लाइव से कर्म बनता है मैकेनिकल कंपलसरी है सबके लिए फॉर ऑल ओके अभी लाइव लाइव को पहचाने कैसे लाइव का मतलब होता है विथ अज्ञान बराबर है लेकिन पहचानना कैसे है विथ अज्ञान तो है समझ गया लेकिन अज्ञान के साथ ही है वो कैसे पहचानूंगा मैं हाँ अज्ञान के साथ है कैसे पहचानूंगे जब आपको प्रकृति जो होती है वो प्रकृति का हर हिस्सा जो कर्म की भुगतान के रूप में आता है वो हर हिस्सा रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है यस और नो वो तो है वो तो जानता हूं मैं और आपकी दृष्टि में अगर सनातन सत्य है तो प्रतिष्ठित आत्मा को भुगतान नहीं होगी प्रतिष्ठित आत्मा को भुगतान नहीं हुई उसकी निशानी क्या हो सकती है सनातन सत्य का विजन नहीं नहीं लेकिन परिणाम के रूप में कैसे पहचानूंगा मैं मानो देखो हाथी को देखा है बराबर तो पहचान लिया कि भाई ये चित्र था और ये मैंने फिजिकल देखा तो भाई चलो दोनों मैच होते हैं तो वैसे वैसी परिस्थिति में आप नहीं है दूसरा भी कोई नहीं मैं अकेला हूं और मुझे मेरे रास्ते से आगे जाना है तो मैं कैसे पहचानूंगा कि मुझे उसके साथ में हुआ है अज्ञान के साथ में हुई है सफरिंग या बिना अज्ञान के हुई सिर्फ डिस्चार्ज हुआ है वो कैसे पहचानूंगा मैं वो तो आप तो बराबर है कि भाई देखो शरीर तो सफरिंग करने वाली है मालूम है मुझे लेकिन उसके साथ में नहीं जुड़ा हूं उसकी तो कोई निशानी होनी चाहिए कि जैसे आपने हमारी बातचीत हुई मेरे हिसाब से मैं मेरे दर्शन अभी का जो मेरा सम्यक ज्ञान दर्शन है उसका मैंने एज इट इज उपयोग किया मेरी दृष्टि से तो मैंने किया लेकिन जो कुदरत उसको मंजूर करेगी कि नहीं करेगी वो मैं कैसे पहचानूं हाँ तो आपका ज्ञान और दर्शन जो है वो बिल्कुल सम्यक रहेगा तो फिर उसमें जुड़ने का कोई चांस नहीं है कोई संभावना नहीं है तो बिल्कुल सम्यक को किसे बोलते हैं बिल्कुल सम्यक का मतलब होता है कि जिसके अंदर से ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ मालिक की भाव कर्ता भाव खत्म हो गया है तो बिल्कुल सम्यक हो गया नहीं लेकिन अनुभव में मानो दृष्टि में है लेकिन अनुभव एट अ टाइम जो कुछ संजोग या अवस्था घटी उसके साथ में वही आपने जो बोला वही दर्शन मेरा रहा वो कैसे पहचाने आप तो बता देते हैं बात एकदम सही है आपकी आपके दर्शन के हिसाब से बराबर है लेकिन मैं मेरा जो मेरा टेस्टिमोनियल तो कुछ होना चाहिए ना कि भाई मैं कहां पे रुका हुआ हूं आपको जितना मुझे भी 24 आपको शुद्धात्मा पद में रहकर मन वचन काया हाँ। की हर अवस्था को आप टॉप टू बॉटम बिगिनिंग टू एंड जितना कुदरती रचना के रूप में 100% देख सकते हैं इतना आप मुक्त हैं और जितना आप 100% नहीं देख सकते हो इतना आपको पजल रहेगा कंफ्यूजन रहेगा तो उसका मतलब मैं मेरे हिसाब से ऐसा समझूं कि भुगतान आया सफरिंग जब भी आई कोई भी अवस्था का तो उस टाइम दृष्टि से मेरा सिर्फ ये दो अभी का जो मेरा सम्यक ज्ञान दर्शन जो बोलते हैं उसका उपयोग हुआ वो भी तो हुआ बिलीफ के हिसाब से ही होंगे बराबर है बराबर है हाँ तो उतना हो गया तो अभी के पोर्शन में मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए वो 100% सम्यक ज्ञान दर्शन का उपयोग हो गया और मैं वो परिस्थिति के साथ जुड़ा नहीं हूं और मैं मेरी सीट पे शुद्धात्मा की सीट पे बैठा हुआ हूं उतना मैं कंफर्म मान लूं बताओ मैं आपको
100% कोई भी व्यक्ति, एक मिनट, कोई भी व्यक्ति होती है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने डेवलपमेंट के मुताबिक इस अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो जो आपके पास कैपेसिटी है इतना आपने ज्ञान दर्शन का उपयोग किया वो आपके लिए उस लेवल के लिए 100% है। उसका मतलब नहीं है कि एक्चुअल 100% है। नहीं 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 नहीं, वो तो एक्चुअल 100% होता तो मैं इधर आपके साथ बात नहीं करता होता, मैं समझ सकता हूँ। तो हाँ, आपके पास जो है वो आपने 100% यूज किया तो इट इज मैक्सिमम हो गया आपके लिए। ओके, मैं वही कंफर्मेशन चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ बात करने के बाद 24 घंटा हो गया बट या 48 हो गया, तो उस टाइम जो मेरा पुरुषार्थ का जो भी कुछ मेरे पास कुदरत मुझे पास करने है, यानी कुदरत की एग्जाम आती रहती है, उसमें मुझे किसी भी हालत में पास होना है, वो जागृति मुझे होनी चाहिए। बराबर, अभी शरीर से कोई भी रिएक्शन निकल जाए फिर भी वो टाइम पे मुझे रहता है कि ये प्रकृति का हिस्सा है और मैं अपने गुण के हिसाब से मानो या मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, अनंत शक्ति हूं, अनंत सुख का धाम हूं, इतना दोनों ज्ञान दर्शन का उपयोग हो गया तो किसी भी हालत में मैं यानी उससे यानी बिल्कुल सेपरेशन वाला पोर्शन में हूं मेरे ज्ञान दर्शन के हिसाब से। लेकिन वो मेरे लिए अभी तक मेरा अभी का लिए वो 100% हो गया। जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, तो वो लेवल भी मेरा बढ़ता जाएगा। करेक्ट, यही रास्ता है, यही रास्ता है। ओके, तो अभी जो मैंने आपको जितना बताया, तो दूसरे मानो आज मानो सपोज मान लिया कि मैंने मेरे हिसाब से 50% का किया है, तो अभी एक महीने के बाद या एक साल के बाद मेरा 60 या 65% हुआ, वो मैं कैसे जजमेंट ले पाऊंगा? उसमें क्या डिफरेंस आएगा? दृष्टि तो ये यूज होने वाली है, तो फिर डिफरेंस कहां आएगा? मैं ऊपर चढ़ा कि नहीं चढ़ा वो कैसे मालूम पड़ेगा सब जी? जितना जितना व्यक्ति का डेवलपमेंट बढ़ता है इतना उसका ब्रॉड विजन हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, डीपनेस होती है, और फिर बाद में उसमें इजीनेस आ जाती है। जो शुरू में डिफिकल्टी होती है वो जितने जितने हाई लेवल में जाएगा इतना डिफिकल्टी नहीं आएगी उसको। तो मैं ऐसा समझूं कि जितना जितना ये दृष्टि का उपयोग करने में स्पान जितना कम होता जाएगा, यानी वो समय जो है पहले मानो एक घंटे के बाद याद रहता था, फिर वो 55 मिनट हो गया, बाद में 40 मिनट हो गया, ऐसे करके करके स्पान घटता जाएगा, वो मेरा डेवलपमेंट का पैरामीटर है। बराबर है, बोल सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ बराबर है, वो जो मैं आपको बताया वो बराबर है। टाइम कम हो जाएगा और एप्लीकेशन भी हाँ? पहले के हिसाब से पावरफुल होगा, क्लैरिटी वाला, जितना जितना डेवलपमेंट बढ़ता है ना, विजन में क्लैरिटी क्लैरिटी भी आती है, परफेक्शन भी आता है और इजीनेस आ जाती है, बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस, यू कैन डू द प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली। बराबर, वो समझ गया हूँ मैं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि सम्यक ज्ञान दर्शन का इस्तेमाल किया तो सफरिंग तो रहने वाला है, लेकिन वो शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें मैं, तो सफरिंग तो शरीर को होने वाला ही है, लेकिन प्रतिष्ठित जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है उसमें मुझे निराकुरता अनुभव में आएगी। हाँ, जितना जितना देहाध्यास कम होगा अज्ञानता हाँ? की वजह से, अज्ञानता कटने से इतना हाँ? आपको निराकुरता ज्यादा अनुभव में आएगी। जितना देहाध्यास कम होगा इतना निराकुरता हाँ? ज्यादा अनुभव में आएगी। आपने ज्ञान दर्शन का तो उपयोग किया है मगर देहाध्यास को मिटाना इतना आसान नहीं है। सब कुछ मिटा सकते हैं मगर अपनी प्राकृतिक अवस्था से मुक्त रहना वो लास्ट मोमेंट में होता है, और इसीलिए मैंने उसको 8 से 11 में लगाया है। नहीं, मुझे उसकी चिंता नहीं है स्वामी जी, मुझे खुशी से कोई मतलब, मुझे तो मैं पहले 5 या 6 7 तक तो पहुंचू, बाद में 8 9 का मैं निपट लूंगा। मुझे पहले 6 7 पे तो पहुंचने दो, मेरा टारगेट वो है, मुझे इतना आगे नहीं जाना है। ये महात्मा का जो प्रश्न था वो 8 से 11 का प्रश्न था, इसीलिए मैंने कहा। नहीं, बराबर है, वो तो सब सब का अलग अलग है। मैं तो क्या, 1 फुट मुझे दिख जाए, वो 1 फुट में मेरे हिसाब से क्लियर कर लूं तो दूसरा आगे का 1 फुट मुझे मिलने वाला ही है, मैं वो सिद्धांत पे चल रहा हूँ। यानी अभी अपना पूरा जो आपके साथ मैंने इतना डिस्कस किया उसका निष्कर्ष वो निकला, प्रकृति भले ही कुछ करती रहे, उस टाइम सिर्फ ज्ञान दर्शन का उपयोग हो गया तो सफरिंग भी नहीं कहा जाएगा और वो मैं यानी जुदापन का अनुभव भी होगा और मेरी ज्ञान दर्शन के हिसाब से वो 100% है। वैसे ही मुझे अभी आगे बढ़ते रहना है, बाद में कुदरत के
बराबर एकदम 100% आपकी जिम्मेदारी है मेरे लिए। सिंपल सिंपल स्टेटमेंट सिंपल आंसर विद प्रॉपर एग्जांपल ये है कि आप पांचवी कक्षा में पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देते हैं तो आपके पांचवी कक्षा का मैक्सिमम ज्ञान कम से कम पास होने का होना चाहिए। अगर वो आप पास हो गए इतना आपने लिख दिया तो यू पास हो गए तो फिर आपको छह में छह स्टैंडर्ड में जाने का अधिकार मिलेगा। फिर छह का आपने एग्जाम दिया उसमें छह का पास होने का ज्ञान हो गया तो आपने छह के पास होकर साथ में गया। मगर जब आपने एग्जाम दिया तो छह के लेवल की एग्जाम दिया था, पांचवे का ही एग्जाम लेवल का एग्जाम दिया था, फिर भी आपको पास मिला क्योंकि आपके पास जो है वही तो आपको पास करना है। बिल्कुल बिल्कुल वही तो मैं अभी मेरे पास भी कक्षा की एग्जाम देते हैं तो बारहवीं कक्षा आकर मैं क्या प्रश्न करेंगे उसका आप उत्तर लिखोगे, वो आपको नहीं कहेंगे। आपको नहीं, मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ ना, मैं उतना ही पूछ रहा हूँ कि अभी का जो मेरा सिलेबस जो भी है उसमें मेरी जो तैयारी है वो बराबर है ना, पांचवी हो तो पांचवी, चारवी हो तो चारवी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। और इसीलिए मैंने समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल दे दिया ताकि समझ गया। मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करने का था कि भाई जब भी वो होता है तो आपने पहले भी मुझे बताया था कि वो आप ही जान सकते हो, तो उस टाइम थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता था क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि मैं तो बराबर ज्ञान दर्शन का उपयोग करता हूँ मेरे हिसाब से तो, लेकिन एग्जिट कुदरत जो अथॉरिटी है वो कैसे पास करेगी मुझे वो जानना था, दूसरी कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। जी 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 ओके ओके धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बस अवे स्वामी जी टाइम थे गयो जी। ओके ओके प्रार्थना बुलाते हैं और रिपीट करेंगे यहाँ। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि के स्वरूप जो जो दोष किए हैं और हो रहे हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।